अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। राम राम सत्यनारायण जी। राम राम। आपके बेटे प्रकाश के नाम किसी बड़ी कंपनी से चिट्ठी आई है। अच्छा, लक्ष्मी, माँ, सरस्वती, तुलसी, चंदन, क्या है? अरे आई, क्या है माँ? क्या हुआ पिताजी? देखो, प्रकाश को एक बहुत बड़ी कंपनी ने नौकरी के इंटरव्यू के लिए बुलाया। अच्छा। मेरा सपना पूरा हो गया, बरसों की मेरी तमन्ना पूरी हो गई। हमारे बेटे के कारण अब इस घर में दोबारा खुशियां लौट आएंगे। प्रकाश, देखो बेटे, कितनी बड़ी कंपनी से तुम्हारे लिए इंटरव्यू का कॉल आया है। लगता है मेरी बरसों की तमन्ना पूरी होने जा रही है। अगर तुम्हें इस कंपनी में नौकरी मिले ना, तो हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे, अंधेरे छट जाएंगे और सुखों का सूरज हमारे घर में फिर जगमगाएगा। हाँ बाबूजी, मुझे उम्मीद है कि ये नौकरी मुझे जरूर मिल जाएगी। देख बेटे, हर सवाल का जवाब सोच समझ कर देना, डट कर देना और किसी किस्म की कसर मत छोड़ना। आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, मुझे तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे वो तो हमेशा तुम्हारे साथ है। दादी माँ, मैं ना दादाजी ने जो अधूरे काम छोड़े थे उनको पूरा करने की शुरुआत कर रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद। पैर कहाँ है दादी? मुझे आशीर्वाद दो दादी माँ। अरे अरे, मैं ना अपने स्वर्गीय दादाजी के नाम को 3-4 चांद लगा दूंगा। वाह वाह वाह, ये है मेरे बेटे की असली औलाद। बेटा, तेरे जैसी थोड़ी सी अकल तेरे भाई में होती तो आज वो तेरे दादा के जैसा बड़े ठाट से डिप्टी कलेक्टर होता। मैं हूँ ना दादी। हाँ, मुझे आशीर्वाद दे। ए मिस्टर, तुम्हारी आंखें हैं ये बटन। तुमने मेरी गाड़ी को खंडाला का टनल समझ लिया है जो साइकिल समेत घुसे चले आ रहे हो? आगे इतना बड़ा एल लटका है, दिखाई नहीं देता। जिनकी गाड़ी के आगे एल लटका हो उनसे दूर रहना चाहिए। एल का मतलब है लर्निंग, और मैं कार चलाना सीख रही हूँ, समझे? मैम साहब, लगता है तुम्हें ढंग का सिखाने वाला नहीं मिला। मैं सिखाता हूँ। क्या कर रहे हो? अक्सर देसी आंखों पर विदेशी चश्मा लगाने से दिमाग में चर्बी चढ़ जाती है, उसे उतार रहा हूँ। अब अपने बिना चश्मे की आंखों से देखो, तुमने मेरी साइकिल का हुलिया बिगाड़ दिया। क्यों ना मैं तुम्हारी इम्पोर्टेंट गाड़ी का हुलिया बिगाड़ दूँ? अरे चाचा, तुम क्या मेरी कार का हुलिया बिगाड़ोगे? Come on, get lost before I lose my temper and get wild, okay? अरे यो, अंग्रेजी बाप की हिंदुस्तानी औलाद, ज्यादा अंग्रेजी में बकबक मत कर। कहीं मेरा हिंदुस्तानी हाथ उठ गया ना तो तेरी याददाश्त गायब हो जाएगी। एक बात ध्यान से सुन ले, अगर कल सुबह तक मेरी साइकिल मुझे ठीक ठाक नहीं मिली तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, समझी? अरे जाओ, मैं ये धमकी किसी और को देना। मैं कार चलाना सीख रही हूँ, ना तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो ना कानून। अगर कुछ चाहिए तो कोर्ट में जाकर मुझ पे केस करो। हाँ, अरे कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है, मुकदमे का फैसला भी किए देता हूँ। अरे क्या कर रहे हो?
जो मुझे करना चाहिए। अच्छा बाबा गलती हो गई, माफ कर दो प्लीज। नहीं करना। हाँ ये हुई ना बात, बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है, जब तक उंगली टेढ़ी ना करो डिब्बे में से घी नहीं निकलता, और जब तक टेढ़ा रास्ता ना पकड़ो बिगड़ा हुआ सही रास्ते पर नहीं आता। क्यों हाँ, सही बोला ना। हाँ, यू आर राइट। चलता हूँ। अच्छा बाय। I'm sorry. Excuse me, sir. Yes? मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। ये रहा आपकी कंपनी का लेटर, ये रही मेरी डिग्री और सर्टिफिकेट। अब ये डिग्री और सर्टिफिकेट बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आपने तशरीफ लाने में थोड़ी देर कर, और ये नौकरी एक बहुत ही काबिल और पढ़े लिखे आदमी को दे दी गई। दे दी गई, अच्छी बात है। जैसे अपनी तकदीर, आपका वक्त बर्बाद किया उसके लिए माफी चाहता हूँ। बरखुरदार, जाते जाते एक समझदारी की बात सुनो, आजकल नौकरियां इन सर्टिफिकेट और डिग्रियों से नहीं मिलती, उनके नीचे पहिए लगा देते। पहिए लगाने पड़ते हैं? नहीं समझे। अरे भाई किस दुनिया में रहते हो, नोटों के पहिए लगाने पड़ते हो। ओ, समझा, तो तुम नोट लेकर नौकरी देते हो। नौकरी खरीद कर नौकरी करने से तो बेहतर है कि आदमी अपनी डिग्री को फाड़ कर फेंक दे और भूखा मर जाए। शेम ऑन। समझाया तो बुरा मान गए। माँ खेत में अनाज उगाकर रोटी लाओगी क्या, बहुत भूख लगी है। अरे ला रही हूँ बेटे। बहू घी लाना भूल गई क्या? नहीं माँ जी, घी खत्म हो गया। अरे घर में खत्म हो गया, बाजार में तो खत्म नहीं हुआ। पूजा घर में गंगा जल, रसोई में असली घी, सुखी घर संसार के शगुन होते हैं, इनका खत्म हो जाना बुरा शगुन होता है। माँ गलती मेरी है, पैसे खत्म हो गए थे, मैं खरीद नहीं पाया। ओहो तेरे पास तो एक ही जवाब आए कि पैसे नहीं है। अरे तेरे बाप दादा के जमाने में ये घर महल था महल, दूध की नदियाँ बहती थी। जब से तेरे सर पे ये जवाबदारी आई है तब से रसोई में असली घी नहीं है, सर में तेल नहीं है, चूल्हे में घास तेज नहीं है। ये लो और आ गए तुम्हारे बड़े सपूत। नौकरी पाते आए हो या हाथ हिलाते आए हो? माँ कुछ देर के लिए खामोश भी रहो या आते ही बरस पड़ोगी। तुम खाना शुरू करो बेटा। सत्यनारायण जी, आप लोग जरा बैठिए, मैं खाना खा के अभी आता हूँ। हाँ खाना खाओ, खूब गट के खाओ, उधार का माल है मजे उड़ाओ, पर पैसा ना लौटाओ। हाँ क्यों लौटाएंगे, इनको हराम का जो मिल रहा है मुफ्त में घर चल रहा है, इधर हमारा दिवाला निकला जा रहा है। मैंने ला गया है मुफस्सरों का पेट भरने के लिए, मैंने दुकान खोल रखी है। बस 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 दादा बकवास मत करो, हम अकेले ही नहीं सारी दुनिया उधार लेती है। बस करो दादी माँ, इस दुनिया में लोगों को मेहनत करने के बावजूद एक वक्त की सूखी रोटी नसीब नहीं होती, और तुम उधार की जिल्लत भरे घी में रोटी डुबो कर खाना चाहती हो। कर्ज की दीमक से इस घर की दीवारों को खोखला मत करो। भूखा रहकर आदमी एक बार मरता है, लेकिन उधार की रोटी खाकर बार बार मरता है, हजार बार मरता है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया। मैं कर्ज के बोझ तले दबा हुआ हूँ, मजबूर हूँ, लेकिन आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पाई पाई में चुका दूंगा। मगर पैसे एक हफ्ते के अंदर दे देना। बस बस मालकिन, क्या कर रहे हैं रामू काका, और मिठाई लो ना। तेरे प्यार ने ही दिल भर दिया, अब मिठाई की जगह कहाँ। कैसी बातें करते हैं, आज मे डे है, सारे संसार के मजदूरों का दिन, दुनिया के हर अमीर इंसान को एहसास दिलाने का दिन। तुम खाना खाओ, तुम हमेशा हमको खिलाते हो, आज मैं तुम्हें नहीं खिला सकती। जल्दी से खाना खा लो, बाहर तुम्हारे तोहफे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बहादुर जी, ये तुम्हारा 3 महीने का बोनस लो। सलाम मैम साहब, ये तुम्हारा। धन्यवाद। और ये तुम्हारा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये डैडी आप। हाँ मैं, अगर तुम मेरी पाई पाई की जमा की हुई दौलत को इसी तरह हाथ खोल खोल के लोगों में लुटाती रही तो वो दिन दूर नहीं कि मुझे किसी सेठ के बंगले की तरह इसी तरह लाइन में खड़ा होकर भीख मांगना पड़ेगा। डैडी कैसी बातें कर रहे हैं, आपको तो उल्टा खुश होना चाहिए, आपके सारे नौकर खुश हैं, आपको दुआएं दे रहे हैं।
मुझे दुआएं नहीं चाहिए, नोट चाहिए। दुआओं का क्या मैं अचार डालूंगा? गरीबों की दुआओं से स्वर्ग मिलता है डैडी। मुझे स्वर्ग में नहीं जाना है, क्योंकि स्वर्ग में जाने से पहले मरना पड़ता है, और तुम मुझे एक आदमी दिखा दो जो जिंदा भी हो स्वर्ग में भी हो। पर छोड़िए ना, खाना तैयार, चलकर खाना खा लीजिए। खाना? कौन सा खाना? मेरे हिस्से का खाना तो इस घर के नौकर माली ड्राइवर खा चुके हैं, और वो भी एक महीने का। अब एक महीने तक न मैं खाना खाऊंगा और न खाएगा। हेलो हेलो, अरे भैया हेलो, अरे आ जाओ, क्या करता है? बार बार के थोबड़ा लाल कर दूंगा। थोबड़ा लाली, मेरा नाम बाकेलाल है। रामपुर में पैदा हुआ, बुरहानपुर में बड़ा हुआ, सुल्तानपुर में फकीर बना, कानपुर में पुलिस ने कान पकड़वाया, नागपुर में नाका लगवाया, और भेजापुर में भेजा। अरे मेरा भेजा क्या कुछ चाहता है? क्या बुलाया मुझे? सरकार के दरबार में अर्ज पेश कर रही हूँ, निकल। ये आदमी कौन है जानो हो? मालूम है, तू है और कौन है? माफ करना, ऊपर वाले की फैक्ट्री से तुमको शरीर तो हाथी का मिला, मगर अकल चूंटी भर की नहीं मिली। ए, बकवास करेगा, मुंह तोड़ दूंगा। अरे तोड़ फोड़ मत करो पहलवान, मेरा मुंह तोड़ोगे तो अपनी तकदीर फोड़ोगे। मैं बहुत काम की चीज हूँ, फर्क इतना है कि दुनिया के बाजार में खरीदार नहीं मिलता है। एक बात बताऊं, ये जो आदमी है ना, ये मैं नहीं हूँ, ये शहर का बहुत बड़ा सेठ है, सेठ गिरधारी लाल, करोड़पति आदमी है। ऊपर वाले ने हम दोनों को एक जैसा बना दिया, फर्क इतना कि इसको अमीर बना दिया, मुझे फकीर बना दिया। अच्छा मान लिया, मुझे क्या लेना देना है? मैं थोड़ा सा काम करना है, हम दोनों मिलके सेठ गिरधारी लाल को गायब कर लेते हैं। मैं गिरधारी लाल सेठ बनकर उनके घर पहुंच जाता हूँ, माल लौटा लेते हैं, फिर आधा तो दोनों बांट लेंगे, फिर तुम अपनी बेईमानी के रास्ते, मैं अपनी शराफत के रास्ते। तो क्या खाले गुरु, हो जाए शुरू। क्या अबे मैं खुद फकीर, तू मुझसे भीख मांग रही है? और मैं ये आइडिया दे रहा हूँ, भीख ले रहा उड़ा ले। आप मुझे मालूम है आपके आईडी ऑफिसर है। अरे कौन सी आईडी भाई, मुझे एबीसीडी मालूम, तू मुझे सी आईडी समझ लिया? लो सटक गया, हो गई छुट्टी। अबे तू इधर से गया था, यहाँ से कहाँ से आ गया? और तू ये अपना आरती जैसा हाथ गड़ी गड़ी मेरे खाने पे क्यों रखे? अरे गुस्सा क्यों? अबे तू बोलता भी है? अरे मैं बोलता हूँ भाई। भाई कौन भाई? अबे मैं फकीर हूँ, मैं इतना भी हकीर नहीं हूँ कि तू जिसे को भाई बना लूँ। अरे बना लो गुरु, मैं बड़े काम का आदमी हूँ, मैं वो खोटा सिक्का हूँ जो दिखने में तो कन्नी है लेकिन चलने में रुपया है। अबे मैं हाई लेवल का फकीर हूँ, फकीरों का पत्ता नहीं पकड़ता। पकड़ लो ना। पकड़वाने को वही मिला था। अबे बहुत अच्छे, कमाल कर दिया, ये धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। अबे तू तो बड़े काम की चीज है। अच्छा मुझसे ज्यादा मेरा उस्ताद काम की चीज है। उसके बाद चलो, बेईमानी के रिश्ते में शैतान का भी मामा है। मतलब ये कि अभी अपन लोग बड़ा बड़ा सेठ लोग का घर साफ करेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो तुम लोग। क्या नाम है तेरा? वैसे तो बांके लाल है, मगर नाम में ही लाल है, पेट में रोटी ना दाल है, बुरा हाल है। अच्छा भैया, ऐसे मुंह में से हंसी निकाल रही है कि चाकू घुसा रही है? बड़ा डरपोक आदमी है यार तू, इतना डरपोक आदमी होकर इतना जोखिम का काम कैसे करेगा तू? हेलो बताता हूँ क्यों आया हूँ। कुरुक्षेत्र में तीर चलाना अर्जुन जानते थे, मगर रथ की फ्रंट सीट पे किशन क्यों बैठे थे? क्यों? आइडिया देने के लिए। आज के कुरुक्षेत्र में तीर तुम चलाओगे, आइडिया मैं चलाऊंगा। बहुत शाना ठीक है, लेकिन मेरा हिस्सा क्या होगा? हेलो गुरु, बराबर बराबर, 50-50। लेकिन बाद में अगर तू जबान से बदल गया तो? अरे दुनिया बदल दूंगा मैं, जबान नहीं बदलूंगा। मगर गुरु एक छोटी सी शर्त है। क्या शर्त है? और कुछ नहीं, जिस तरह करण के शरीर से कवच अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह गो से इस बच्चे को अलग नहीं किया जा सकता। तो जब मैं गिधारी लाल सेठ बनूंगा ना, तो इस बच्चे को उठाए उठाए फिरना। मैं यह बंदर ही हो सकता? नहीं हो सकता तो जाने तो, फिर काम भी नहीं हो सकता। अबे तेरी तरफ। अबे क्या कर रही है, क्यों घुमा रही है? अजीब गंद कर रहा तू, एक बच्चे के वास्ते इतना बड़ा काम छोड़ के जा रहा तू? अरे ये बच्चे ही तो सब कुछ है, ये मेरा लगते जगह जब पैदा हुआ था तो सीधा मेरी गोद में आया था और यहीं बड़ा हो गया। आज तक इसने जमीन पे पाँव नहीं रखा। अगर इसने जमीन पे पाँव रखा भी तो क्या होगा? क्या होगा बताऊं? ये लो। देखा, ये जमीन पाँव रखेगा तो चिल्लाएगा, और चिल्लाएगा तो सारा प्रोग्राम चौपट हो जाएगा। ओ, क्या मुसीबत है। अबे फकीर हो गए, तुझे ये बच्चा पैदा करने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं नहीं, अच्छा आ जा आ जा, ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है। देखो सबसे पहले तुम्हारी ट्रेनिंग चालू,
तुझे फौरन गिरधारी लाल की चाल ढाल बात करने का तरीका उसका स्टाइल सब कुछ सीखने का है। तुम छोकरी तेरी आंखें हैं या बटन? कल तो मैं बच गया, आज अपना स्कूटर लेकर मेरी टांगों के अंदर घुसी चली आ रही है। मेरी टांगों को क्या खंडाले का भोगता समझ रखा? इतनी गर्मी क्यों खा रहे हो? पहले अपनी आंखें खोलकर मेरे स्कूटर की तरफ देखो, आगे पीछे इतना बड़ा लाल लाल एल लटका है। आपको एल वालों से बच के चलना चाहिए। ए मेम साहब, लगता है तुम्हारी आंखों की तरह तुम्हारे भेजे का भी फ्यूज चला गया है। तुम एल लेकर पीछे से आ रही थी और मेरी आंखें लगी है आगे की तरफ। अब मैं भूत या प्रेत हूँ नहीं कि चलता हूँ आगे और देखता हूँ पीछे। अरे कम से कम हॉर्न तो बजाना चाहिए था, ये जो इंडिया समझ के चली आ रही है। अच्छा बाबा, गलती हो गई, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। और तुम लोगों का आता ही क्या है, पहले सामने वाले की तबीयत साफ करो और बाद में कहो अरे बाबा माफ करो। मैं देख रहा हूँ जब भी मैं नौकरी ढूंढने निकलता हूँ तुम इसी जगह इसी वक्त आकर मुझसे टकराती। कल कार से आकर टक्कर मारी, आज स्कूटर से टक्कर मारी, कल क्या साइकिल से टक्कर मारोगी? ठीक है तुम साइकिल लेकर आओ, मैं भी साइकिल लेकर आऊंगा, तुम्हारे सामने तुम्हारे पीछे तुम्हारे दाएं तुम्हारे बाएं चारों तरफ से टक्कर मारूंगा, समझी? बताना सपनों में बहार, दर्द का किसने देखा?
तुम जीते। ओ बार बार क्यों टकराती हो तुम जीते। ये टक्कर ले जाएगी कहाँ यहाँ वहाँ बताना सपनों में वहाँ लिखा किस्मत में होगा जहाँ चोट लगी कहाँ यहाँ वहाँ बताना सपनों हमारा अतली की कहाँ है? हो गया, संभाल के रखना, पैसे की करामत वो सेठ जो है ना उल्टे हाथ से खाना खाता है, तेरे को भी उल्टे हाथ से खाने का है। दी 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 दी। क्या बात कर रही है यार, उल्टे हाथ से तो वो धोते हैं, उसे खाना थोड़ी खाते। मैं फकीर हूँ, फकीर थोड़ी हूँ, गंदा रहता हूँ, गंदे काम थोड़ी करता हूँ। तेरी तो देख मिसाले, ज्यादा टटर मत कर, काम नहीं करेगा तो माल भी नहीं मिलेगा। माल के लिए इतना गंदा काम कौन करेगा यार, उल्टे हाथ से चलो मुश्किल है मगर कर लूंगा। मगर हेलो हेलो, ये औरत कौन है? ये औरत सेठ का औरत है, जब तू उसकी जगह ले लेगा ना ये औरत भी तेरा हो जाएगा। क्या बात करिए यार, अब यही आता खाना खाना। बैठ जाओ पैसे की करामत। हैप्पी बर्थडे टू यू डैडी, बहुत बहुत मुबारक हो। वो तो हर साल मुबारक होता है पैसे की करामत से, पहले बताओ कि पैसे कितने बर्बाद कर डाले। अरे डैडी, ये तो सिर्फ 50 रुपए के हैं। आपको जन्मदिन का तोहफा देने के लिए मैं तो 50,000 तक खर्च कर सकती थी, मगर मौका ही नहीं मिला। सब पैसे की करामत है जो नहीं मिला। मतलब जरूर खर्च करो, मगर पहले वो पैसे अपनी मेहनत से पैदा करो, तो पता चलेगा कि आज की दुनिया में पैसा पैदा करना औलाद पैदा करने से ज्यादा मुश्किल है। उसको खर्च करने में कितना कलेजा दुखता पैसे की करामत से। उफ, कम ऑन डैडी, आप जिंदगी में हर घड़ी पैसों की माला ही जपते रहते हैं। जब तक पैसों की माला न जपो तिजोरी का ताला ही नहीं खुलता, सब पैसों की करामत है। अच्छा अच्छा बाबा, कान पकड़ती हूँ, गलती हो गई। डैडी अब मुस्कुराइए, इस तोहफे को स्वीकार कीजिए। अब तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी मेहनत के कमाए हुए पैसों से मेरे लिए तोहफा खरीदा गया हो, और अगर मैं ही स्वीकार न करूं तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। सब पैसे की करामत है। सेक्रेटरी, ये 50 रुपए का तोहफा तुम्हारे हवाले, 50 दिनों तक मुरझाने पाए वरना तुम्हारी पकड़ से पैसे कट जाएंगे। सेक्रेटरी, इंटरव्यू के लिए आए हुए लोगों को एक एक करके अंदर भेजो। डैडी आज इंटरव्यू में मैं भी आपके साथ बैठना चाहती हूँ। क्यों, तू अपने आप को मुझसे ज्यादा अकलमंद समझती है? चल चल चल। लेकिन डैडी वो गरीब समझ के चंदा दे देगी, मेरा सत्यानाश हो जाएगा। चल। हेलो, कौन है ये? नाम तो पूछ। मैं नूर शेखी। मैं नहीं। ओ वन मिनट, मैं नहीं हूँ। कौन है? किसी मिनिस्टर का फोन है, रख दो। अरे ना 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 ना, मेरी क्यों नहीं बोलती है? हाँ जी मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम आपका, मैं भूल गई। मैं गिरधारी लाल बोल रहा हूँ जी। क्या करती सीधे खड़े रहना जी? ने आपको नहीं, मैं क्या कर रही हूँ? हाँ जी आज हम गरीबों की याद कैसे आ गई? हाँ जा बेकार है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, नौकरी नहीं उसके पास, कहाँ तक पढ़ा लिखा है, मैट्रिक फेल है। अरे तो क्या हुआ साहब, दुनिया का हर बड़ा आदमी मैट्रिक में तो फेल होता है, मैं खुद 8 मरतबा फेल हो चुका हूँ। अच्छा आप भी फेल हो चुके हैं, फौरन भेज दीजिए उसको। तू क्या यही करती रहती है? डैडी आपने एक मिनिस्टर के मैट्रिक फेल भांजे को बिना इंटरव्यू के नौकरी दे दी, और जो बाहर बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर नौकरी के लिए बैठे हैं उनका क्या होगा? बोलिए, जवाब दीजिए। तू क्या मेरा इंटरव्यू लेने आई है? इस देश में बड़े लोगों की नौकरी देने का यही उसूल है कि पहले नौकरी तो बाद में इंटरव्यू के लिए बुलाओ, अपना नाम भी हो जाता है और पढ़े लिखे बेकार नौजवानों को इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी हो जाती है।
बेईमानी है। बिल्कुल नहीं, दौलत वालों की दुनिया में बेईमानी का दाखला बंद है। बेईमानी अगर आती है तो नोटों को नकाब ओढ़ कर ईमानदारी बन जाती है, समझी? चल 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 चल। सेक्रेटरी पहले बेईमान को भेजो। नहीं नहीं, वो कौन बैठे हैं बाहर? हाँ भेजो उनको। गुड मॉर्निंग सर। व्हाट इज देयर गुड अबाउट द मॉर्निंग? कार है, बंगला है, पैसा है, नौकरी है, फिर क्या गुड मॉर्निंग? बैड मॉर्निंग बोलो, समझे? अब मेरे सवाल का जवाब, इमामी के बारे में तुम क्या जानते हो और इसकी स्पेलिंग क्या है? इमामी, इमामी दुनिया का मशहूर ब्यूटी क्रीम है जो आपके यहाँ बनता है, उसकी स्पेलिंग भी सारी दुनिया जानती है, EMAMI। और ये वो क्रीम है जो लड़कियों को खूबसूरत बनाती है, और ये वो क्रीम है जो सारी दुनिया में मशहूर है। शाबाश नौजवान, शाबाश। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर इमामी इतना मशहूर क्रीम है जिसके बारे में दुनिया में सब लोग जानते हैं, तो फिर इसकी शोहरत को और बढ़ाने की जरूरत क्या है? मतलब इसकी शोहरत के लिए किसी को नौकरी पर रखने की जरूरत ही नहीं है। जब जरूरत नहीं तो तुम्हारी भी जरूरत नहीं है, और जब जरूरत नहीं तो फिर खड़े क्यों? जाओ जाओ जा, जा। सेक्रेटरी दूसरे इमामी को भेजो। नहीं नहीं, मतलब वो बाहर कौन बैठे हैं? उम्मीदवार को भेजो। पैसे की करामत। गुड मॉर्निंग सर। फिर वही बात। अरे तो हालत ठीक नहीं, ऊपर से गुड मॉर्निंग, और यही बात तुम अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी में नमस्कार बोलकर भी कह सकते थे, मगर तुमने नमस्कार को बेकार समझा और अंग्रेजी में बोल गए, इसलिए मेरा पहला सवाल जो मैंने पूछा नहीं उसमें तुम फेल हो गए। अब मैं कुछ और सवाल पूछता हूँ। ताजमहल कितने मजदूरों ने बनाया था? नहीं मालूम। अच्छी बात। दूसरा सवाल, वाल्मीकि की बीवी का क्या नाम था? 10 पैसे का सिक्का देखा है? उस सिक्के में कितने कोने होते हैं कुछ मालूम है? ये भी नहीं मालूम। जब तुम इतने मामूली सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो इंटरव्यू में आए किस लिए हो? आप ठीक कह रहे थे कि मैं इंटरव्यू देने के लायक हूं या नहीं, या आप इंटरव्यू लेने के काबिल हैं या नहीं, इसका फैसला अभी कहने थे। अकल के फकीर और दौलत से सेठ, घबराओ मत, ये मेरा 50वां इंटरव्यू है, और इस किस्म के बेहुदा इंटरव्यू देने की मुझे काफी प्रैक्टिस हो चुकी है। तुम लोग सिर्फ दिखावे के लिए इंटरव्यू लेते हो। अगर तुम्हारे यहाँ जगह खाली होती तो इस किस्म के बेहुदा सवाल करके हमारी डिग्री जिस पर बेकारी की मोहर लगी हुई है उसका मजाक न उड़ाते। और सच तो यह है कि तुम्हें खुद भी नहीं मालूम कि वाल्मीकि की बीवी का नाम क्या था। तुम अपनी बीवी जिसे रोज सुबह शाम मिलते हो, उसके हाथ का परोसा हुआ खाना खाते हो, क्या तुम बता सकते हो कि उसके हाथ में कितनी चूड़ियां हैं? जवाब दो। तुम अपने रीझ जैसे बालों में रोजाना कंघी करते हो, क्या तुम बता सकते हो कि जिस कंघी से तुम अपने बाल ठीक करते हो उस कंघी में कितने दाने हैं? नहीं बता सकते ना? घटिया सवाल पूछना बहुत आसान है सेठ जी, लेकिन उनका जवाब देना बहुत मुश्किल, जो तुम जैसा घटिया आदमी भी नहीं देता। सेक्रेटरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इंटरव्यू कैंसिल कर दो, सबको भगा दो। ओके। क्या है, कौन हो तुम लोग? हम लोग भी परीक्षा लेने वाले में से, सोचा ऐसे लगे हाथ आपकी भी ले ले परीक्षा। क्यों ले लो? बिल्कुल भाई, हमारे 3 सवाल हो। सवाल नंबर 1 कि तू इतनी सुंदर काहे लगत हो, और सवाल नंबर 2 कि तोरी जवानी इतनी गदराइल काहे है, और सवाल नंबर 3 कि तोरे देख के हमरे मुंह से लार काहे टपकत है। अरे हैरा चमगादड़ की औलाद, ऐसे सवालन के जवाब हमरे पास है, हम देखे। कौन सी जगह है जहाँ 1 लात मारे से लड़का मेंढक की तरह उछलता है? अरे तेरी तो इला इला देखा इस चारों का कमाल जाकर ये 3 सवाल अपनी अम्मा और बहन से करा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इज्जत बचाई। एक का आंसू? जी 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 जी, इस दुनिया में रहना है तो पोछा आंसू और बन जा धासू। चला
हम तो के घर छोड़ा था। चलो एक मिनट, माँ मुझे कौन बुला रहा है? नमस्ते। और है तू? हमारा नाम रधिया है। अरे मगर अंदर कैसे आई? भूखा पेट पकड़ के आई है। अरे भूखा पेट पकड़ कर आई है या झाड़ू पकड़ कर आई है, मुझे इससे क्या? आई क्यों तू यहाँ? अभी बता से क्या झाड़ू पकड़वा कर हाँ। पकड़ रही? अरे छोड़ छोड़ गिर जाऊंगी मैं। दादी माँ इस संसार माँ इंसान नहीं पत्थर दिल लोग रहते हैं। गरीब का नौकरी नहीं देते, भूखे को रोटी नहीं देते, शरीफ का इज्जत नहीं देते, मगर सुन ले हा, तू बड़े दयालु है। ये कारण तो हम तो दरवाजे पर आए हैं। अरे क्या बकवास किए जा रही है, सीधी साधी भाषा में बताना क्या कहना चाहती है? तो सीधी भाषा ये है कि ये क्या कि हम तेरे घर में काम करे खातिर आए। अरे मगर काम पे रखा किसे तुझे? किसी ने नहीं, हम खुद अपने आप रखे आ गए। अच्छी जबरदस्ती है, हमें नौकराने की जरूरत नहीं। चल यहाँ से चल। अरे दादी मत निकालो, ये रधिया है बेचारी, बिल्कुल लावारिस है। अगर आज ये सही वक्त पर ना आती तो पता नहीं क्या हो जाता। क्या हो जाता? दादी माँ आज इसने कुछ बदमाश लड़कों से मुझे बचाया। हाँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसका, लेकिन हमें किसी नौकराने वकराने की जरूरत नहीं। चल बाहर बाहर चल चल। देखो बेटी, हम खुद ही गरीबी के बोझ तले दबे जा रहे हैं, फिर किसी नौकरानी का बोझ कैसे उठा सकते हैं? इसलिए तुम जाओ कहीं और नौकरी देखो। हमारे कहे का बोझ? हमको तो इज्जत वाला घर बार चाहिए, पगार नहीं। हम तोरे ये घर में बिन पगार के काम करे खातिर तैयार है। अब तो रख लो। ए बहू रख ले रख ले, मुफ्त में इतनी अच्छी नौकरानी मिल रही है, रख ले। तो दिन भर अकेली काम करती रहती है, ये होगी तो तेरा हाथ बटाएगी। ए छोकरी पगार तो तुझे मिलेगी नहीं, लेकिन तू कुछ और तो नहीं मांगेगी? नहीं नहीं, बस ये चिड़िया जैसे पेट का भर दिया करा, ये कम्बस का कभी कभी भूख लग जाते है। सिर्फ दो ही रोटी सुबह माँ और दो ही रोटी शाम माँ। फिर ठीक है, आज से काम पर लगता है। एक कमरा है कि नरक, ये सब का है चंदर? तुम्हें शर्म नहीं आवत है? अपना स्वर्ग जैसे मकान माँ तू एक गंदा गंदा तस्वीर लगाता नहीं? तू कॉलेज माँ एक कमीना पन सीखने जाते है का? ए छोकरी ज्यादा डटर नहीं चाहिए, तुम इधर नौकरानी है और हम इधर का मालिक। ऐसा का? बाबूजी का मत बुलाना, धीरे बोल धीरे, प्लीज बाबूजी का मत बुलाना, प्लीज बाबूजी का मत। एक बात कान खोल के भेजे का तराजू मत तोल के याद रखना, अगर हमरी और कभी तिरछी आंखों से देखा तो उंगली डाल के आंखें निकाल लेंगे, समझा? चल पकड़ झाड़ू, ये नर्क जैसे कमरा खुद ही साफ कर, समझा? ए बुढ़े, बोलो नौजवान बेटे। ये ले पैसे और फौरन ये जगह खाली कर दे। बात में कोई पहली बार नहीं सुन रहा, 20 बार सुन चुका हूँ और इनकार कर चुका हूँ। वो लोग कोई और होंगे, मेरा नाम रिंगो है और रिंगो को इनकार सुनने की आदत नहीं है बुढ़े। तू कौन है बे? मैं इस दुनिया में एक बहुत बड़ा खानदान है, गरीबी। मैं उस खानदान का एक सदस्य हूँ और तुम्हें यह बताने आया हूँ कि गरीब की पेट की आग से खेलोगे तो वो आग तुम्हारे घरों को जला डालेगी। Thank you.
बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, खुदा तुम्हें हर बला से महफूज रखे, लेकिन अफसोस है मुझे बचाते बचाते तुम्हारी फाइल जल गई। हाँ चाचा, उस फाइल में मेरी एमए की डिग्री और सर्टिफिकेट थे, जिनकी बदौलत में नौकरी की तलाश में दर बदर की ठोकरे खाता पड़ता था, आज वो आज भी चली गई। बेटे अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसकी जात से मायूस नहीं होना चाहिए। नहीं चाचा, अल्लाह अमीरों पर मेहरबान है और गरीबों से नाराज है, इसलिए वो सब कुछ अमीरों को देता है। लगता है बेटे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी आला तालीम के बाद बड़े बड़े ख्वाब देखे होंगे, और ये ख्वाब देखना हम गरीबों की बिरादरी में दस्तूर बन चुका है, लेकिन इस दस्तूर को तोड़ना होगा। जब तक ये दस्तूर नहीं टूटेगा, गरीब गरीबी की जंजीर से नहीं छूटेगा। लेकिन बेटे मैं तुम्हारी तरह तालीम याफ्ता तो नहीं हूँ, फिर भी मेरी बात याद रखना, जो भी काम मिले उसे कर लेना चाहिए, काम कोई छोटा नहीं होता बेटे, छोटा होता है आदमी, उसका दिल, उसके करतूत। हाँ, अरे ये रदिया, हाँ ये रोटियों का पहाड़ तूने किसलिए खड़ा किया है? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी देवी के नाम पर खाना बांटते समय रोटियों का ढेर लगाया हो। अरे छोड़ा दादी माँ, ये रोटियों का ढेर तो हमारे पेट के घोंसले में जाने वास्ते लगाए हैं। है क्या? हाँ, ये हमारे खाने का स्टाइल है, अगर हम इतना नहीं खाए ना तो डकार भी नहीं आते। क्या ये सब तू खाएगी? कहा कहते दादी माँ, शाम के खाने में से सिर्फ दो रोटी तो ज्यादा ली है हमने। हाँ अरे वाहरी मेरी लाडली, इतनी रोटियाँ खाने के बाद शाम को फिर खाएगी? तूने तो कहा था कि सुबह शाम दो रोटियों से ज्यादा नहीं खाऊंगी, कहा था कि नहीं? हाँ दादी माँ कहा था, और ठीक ही कहा था। ये देखा दो ही दो रोटी करके खाते, ये दो रोटी दाल के साथ, ये दो रोटी साग के साथ, और ये दो रोटी अचार के साथ, कुल मिला के दो रोटी और दो रोटी मेरे शर्ट की। हे भगवान, ये लड़की का पेट है या समंदर? अगर मुझे मालूम होता कि ये अनाज की इतनी दुश्मन है तो मैं कभी काम पर न रखती। जाने भी दीजिए माँ जी, खाना खिला के दो बातें खिलाने की क्या जरूरत है, बेचारी अकेली सारे घर का काम करती है। खा खा, पेट भर के खा, खा ले सब। हाय राम, इस बेशरम को देखो कैसे मुंह घुमा कर बैठ गई। अरे मेरे घर का खाना मेरे सामने खाएगी तो क्या नजर लग जाएगी? मेरी ही अक्ल में कीड़े पड़ गए थे जो इस 20 जन्म की भूखी को अपने घर में रख लिया। खा ले, खा सब खा ले, कम पड़े तो मुझे खा ले। ऐसन हमरी और टुकुर टुकुर नजरों से क्या देखा था? अपनी जिंदगी में कभी कोई छोकरी नहीं देख लिया था? नहीं, छोकरी तो बहुत देखी है और तुम्हारी सूरत की भी देखी, लेकिन तुमको देखकर हम सोच रहे हैं कि असल में तुम हो कौन। बाबूजी, हमारा नाम रतिया है, गरीब है, बेसहारा है, एक खातिरी घर में नौकराइन का काम करते हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब। गरीब हो, बेसहारा हो, कपड़े बदल लिए, हुलिया बदल लिया, तो साथ में जबान भी बदल डाली। हम मतलब नहीं समझे तो रहा बाबू। अरे ओ बाबू की बच्ची, ये नाटक करके किसी और को बेवकूफ बनाना। हा? मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ, न तू रदिया है न तू गंगा मैया, अरे तू नंबर 420 है। लेकिन मैंने तुझे सड़क पर स्कूटर चलाते हुए देखा, मोटर चलाते हुए देखा, अंग्रेजी में बड़बड़ाते हुए देखा, अब यहाँ रदिया का नाटक कर रही है। अरे बता यहाँ तू किस चक्कर में आई? अरे बता, तो ऐसा झापड़ मारूंगा छोटे से चेहरे का तरबूज लगा दूंगा। तुम हमको मारोगे? बहुत मारूंगा। अरे मर गई भैया, अरे बचाओ, अरे बचाओ। अरे अरे रदिया, तू रो क्यों रही है? हाँ प्रकाश, तूने से मारा क्या? नहीं मारा नहीं, बस अपना प्रोफाइल के मारने वाले थे कि हम चिल्लाते दादी माँ की कहते कि हम नाटकबाज हैं, साइकिल चलाते, मोटर गाड़ी चलाते, अंग्रेजी में बड़बड़ाते। अब तू ही इनका समझाता, हमको देखा, हमरा मुंह देखा, मोटर गाड़ी देखा, अंग्रेजी देखा। अरे बेटा तू इसे गलत समझ रहा है,
ये तो गरीब अनाथ लड़की है, इसे झाड़ू कपड़ा बर्तन माने से सब कुछ मालूम ही नहीं, एक ही तकलीफ है। खाना बहुत मगर लड़की अच्छी है इसलिए नौकरानी रखी। चलो चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें नौकरानी रखने की जरूरत क्या है? अरे बेटा तेरी माँ सारा दिन अकेली काम करते करते थक जाती है, इसलिए मैंने इसे नौकरानी रख ली। माँ अकेली क्यों है, बहनें भी तो हाथ बटाती हैं। अरे कहाँ बटाती है, ये तो अभी पढ़ रही है और सरस्वती का बहुत जल्दी ब्याह होने वाला है। सरस्वती का ब्याह और बहुत जल्द, इसमें ताज्जुब की क्या बात है, लड़के का ब्याह नहीं होता है क्या? लेकिन दादी माँ सरस्वती का ब्याह बहुत जल्द कैसे हो सकता है, अभी तक फूफी के दहेज की रकम अदा नहीं कर पाए तो सरस्वती का ब्याह इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा? इन सब बातों की फिक्र करने की तुझे कोई जरूरत नहीं, तेरा बाप अभी जिंदा है वो सब संभाल लेगा। कैसे संभाल लेंगे पिताजी, इतनी जल्दी कोई लॉटरी लगने वाली है? शरीफ आदमी की बेटी इज्जत से विदा हो जाए यही उसके लिए सबसे बड़ी लॉटरी है बेटा, और अगर जरूरत पड़ी तो कहीं से कर्जा ले लेंगे। लेकिन पिताजी उधार लेकर शादी कराने क्या जरूरत है, जब पैसे आएंगे तो कर देंगे शादी। अरे बेटा तेरा बाप भी यही सोचता है कि उधार लेके तुझे पढ़ाने की क्या जरूरत है, जब पैसे आएंगे तब तुझे पढ़ाएंगे। अरे कॉलेज तो दूर रहा, स्कूल में भी तेरा दाखिला नहीं होता तो अनपढ़ रह जाता। अरे बेटा इस खानदान की समस्या का ताला उधार के पैसों की चाबी से ही खुलता चला आया है, ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी तो चुप रह। बेटा जा कहीं से उधार लेकर आ और शादी का इंतजाम कर दे, ये काम शुभ मुहूर्त पे ही होना चाहिए। दादी माँ अरे इसका गुस्सा तो देखो, हर वक्त नाक पे धरा रहता है नाक पर, इसके दादा की अकल इसमें होती तो आज एक कलेक्टर होता है कलेक्टर। भैया चाय। सरस्वती हा? तुमसे एक बात कहनी है, लेकिन समझ में नहीं आता कि शुरुआत कैसे करूं। भैया इस घर में सिर्फ एक आप ही हैं जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, अगर आप ही हिचकिचाएंगे तो फिर हो चुका। बोलिए भैया बेधड़क बोलिए। तू तो जानती है फूफी की शादी को इतने बरस हो गए और उनके दहेज की रकम अभी तक अदा नहीं की गई, और बाबूजी चाहते हैं कि तेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए, कहां से आएगा इतना रुपया, इसलिए मैं चाहता हूं कि तू बाबूजी से जाकर कह दे कि ऐसे हालात में तू शादी नहीं करना चाहती। मैं जानता हूं सरस्वती शरीफ घराने की लड़कियां शादी की बात अपनी जबान पर नहीं लाया करती, और एक भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि जल्द से जल्द तेरी शादी कर दूं, लेकिन क्या करूं मजबूरी है, अगर तू खामोश रही और बाबूजी के डर से अपनी जबान न खोली तो ये घर संसार कर्जों के बोझ तले पिस कर रह जाएगा, इसलिए इस घर की तकलीफों का हल हमें खुद ही निकालना होगा। सर नमस्कार। नमस्कार आइए जी आइए। आओ बेटे नमस्कार। ये मेरा छोटा बेटा चल। नमस्ते जी। जाओ बेटे मेहमानों के लिए कुछ चाय वगैरह ले आओ। तुलसी मामा लड़की वाले आए हैं, जल्दी से सरस्वती को ले आ। हाँ तो सत्यनारायण जी, मेरे बेटे ने दहेज की फरमाइश के मुताबिक आपकी बेटी को पसंद कर लिया है, अब आपका क्या कहना है? मैं भला क्या कह सकता हूँ किशनलाल जी, मैं बस इतना कहूँगा कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने इस रिश्ते को कबूल। नमस्कार भाई साहब। अरे बनवारी अचानक कैसे आ गए? बस ऐसे ही चला है भाई साहब। अरे इन आँखों के कैमरे में ये नई शक्लें पहले तो कभी नहीं दिखाई दी, नए आर्टिस्ट है क्या? अरे रे 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 रे, कहीं ये सरस्वती की शादी की तारीख तो पक्के करने नहीं आए हैं? हाँ बनवारी लाल बिल्कुल सही कहा, इसीलिए आए हैं। अरे वाह भाई साहब, आप ही कमाल के प्रोड्यूसर हैं, पहली फिल्म का कर्जा उतरा नहीं और दूसरी फिल्म का मुहूर्त भी कर दिया। नहीं ये बात नहीं है बनवारी। अजी क्या ये बात नहीं है, वो बात नहीं है, बिल्कुल यही बात है। पहली फिल्म की कहानी भूल गए आप जिसे कर्जा आपको अभी तक चुकाना है? कहानी ये है कि मेरी शादी आपकी बहन माया से 5 साल 3 महीने और 2 दिन पहले हुई थी, लेकिन अफसोस आज तक दहेज की रकम नहीं मिली है,
इसी वजह से मेरे पिताजी ने पुराने फिल्मों के डिब्बे की तरह से मुझे बाहर फेंक दिया है और कहा है कि पहले दहेज की रकम लेकर आओ। उसी तरह से किसी दिन ये सज्जन अपने बेटे को बाहर फेंक देंगे और कहेंगे जाओ सत्यनारायण जी से दहेज की रकम वसूल करके लाओ। कैसी बातें कर रहे हो बनवारी, घर में मेहमान आए हुए हैं, मौका कौन सा है, तुम्हें इस वक्त ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं तुम इसे समझाओ। मैं क्या समझाऊं भैया, हमारी हालत तो खुद ही बहुत खराब है। सास ससुर ने ये कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि जब तक तुम लोग दहेज की रकम वापस लेकर नहीं आओगे तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद है। हमारी दहेज की रकम दे दीजिए, हम अभी वापस लौट जाएंगे। ये भी ठीक है सत्यनारायण जी, पहले आप पुराना खाता क्लियर कीजिए उसके बाद नया खाता खोलिए, जब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसी बातें मत कीजिए, जरा सोचिए तो। अबे चुप, इस घर में तेरी शादी उसी वक्त होगी जब दहेज की सारी रकम मुझे एडवांस में मिल जाएगी। अबे चल पिताजी, आप मेरी, चलिए आप लोग, चलिए बहन जी आइए। बात Thank you.
वाह 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 सत्यनारायण जी, इस लड़की ने बिल्कुल सही गाना गाया। लेकिन एक बात मेरी भी बहुत गौर से सुन लीजिए राजा जनक जी, मेरे राम की शादी आपकी सीता से उसी वक्त होगी जब दहेज की सारी रकम मुझे मिल जाएगी। हाँ भाई साहब, और जब तक मेरे दहेज की फाइनेंस का इंतजाम नहीं हो जाता है, इसका प्रोनोट मेरे पास है, हम लोग यहीं रहेंगे। और जब तक हम यहाँ रहेंगे इस घर में कोई शुभ कार्य नहीं होने देंगे। जय राम जी की। चल बे। पीसा जल्दी वापस कर दीजिए माया, तो ना को भाव ऊपर नीचे हो तो रहे। अच्छा धन्यवाद सर जी। अरे आप खड़े हुए हैं, बैठिए तशरीफ रखिए। ठीक है मैं इन पैसों को रख लेता हूँ, लेकिन सत्यनारायण जी इतना याद रखिएगा कि बाकी की रकम शादी से एक हफ्ता पहले। आप फिक्र मत कीजिए किशन लाल जी, बाकी रकम ठीक वक्त पर आपको मिल जाएगी, ये मेरा वचन है। मुझे आपके वचन पर पूरा विश्वास है। अच्छा तो किशन लाल, नमस्ते, मैं चलता हूँ। शाम को जल्दी आना, जब भी देखो आप देर से ही आते। अच्छा तो मेरे पीछे पीछे कहाँ चले रहे हो, जामा दूध उबल रहा है, गिर जाएगा। जा, हमारा नुकसान कर रही पैसे की करामत से। अरे पैसे की करामत, सौ का कड़क नोट, ये मेरा नहीं है, बाहर से कहीं से आया है। अरे एक और नोट, भगवान तूने आज मुझ पे नोटों की बारिश कर दी, तो ऐसे करता जब मैं लेता जाता हूं। अरे ऊपर वाले तो आज मुझ पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहा है। मार दिया उसको? अबे मारा नहीं, बेहोश किया है। तेरी दाढ़ी कहाँ है? जी जी हैगी, बिल्कुल ठीक है। एक काम करो, दाढ़ी वाले लगा के तैयार हो जाओ, मैं चलता हूँ। मगर उसको कहाँ ले? उसको अपने अड्डे पे ले जा रहे। गोल्डक एक्सक्यूज मी सर, इस चेक पे साइन कर दीजिए। साइन तारीख है और लोगों को पधार देनी। नहीं नहीं मैम, आज मुझे एक साधु ने मना किया कि इस महीने किसी को चेक मत देना, तुम एक काम करो सबको मैं केस में पकड़ दे दो। नहीं नहीं कैश में, चला जाओ। तेरे पैर पड़े हूँ। अरे खुजा रे, क्या करता है, सर फोड़ दिया है। चुप कर, जल्दी खींच। क्या खींचू, उड़े के लगा मुझे, खींचू खींच के तेरा निकल गया। अरे सारा टटर मत कर, पापा कैश में पगार देने का वादा कर दिया था। अरे क्या फटे हुए कुर्ते की तरह बात करता है यार, मेरे को देख चेक पे दस्तखत है, मेरे बाप ने कभी दस्तखत किया था क्या? तेरे बाप की तो मैं, ए बाप का नाम ले लेना, जगह को मारता है। आराम का ढक्कन, चुप। वाह क्या हुआ, फैमिली लेडी आ रही है। कौन सी लेडी? फैमिली लेडी। ये क्या हुआ, की लेडी की बीवी, क्या करूं? जा चल जा, अबे तू उतर लीजिए। मैं दूर 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 दूर। अरे दूर 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 हटो, दूर पी रही है। तुम्हारा कलम अपने को दूर हटो, दूर हटो। क्यों मगर क्या हुआ? इसलिए कि मैंने 40 दिनों का व्रत रखा है, और व्रत के दौरान इंसान भगवान का हो जाता है, संसार वालों के लिए गैर हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ। थोड़ा दूर, थोड़ा दूर है। अब एक काम करो, कल ऑफिस वालों को पगार देनी है, सेफ खोल के तेरा 40,000 रुपए निकाल के लाओ। तो आज आप मुझे सेफ से रुपया निकालने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या है कि मेरा व्रत है ना, व्रत के दिनों में पाप की कमाई को मैं कैसे हाथ लगा सकता हूँ? वो तो ठीक है, मगर उसका नंबर तो आपने मुझे बताया नहीं। खैर कोई बात नहीं, आप तो बता दीजिए। नहीं क्या है कि जहाँ पाप की कमाई रखी होती है वो जगह भी पापी होती है, पाप की कमाई का नंबर बताओ तो मैं खुद पापी हो जाऊंगा। नहीं जाने दो, जाने दो, कोई जरूरत नहीं है, मैं पूजा करके सो जाऊंगा, तुम जाओ। लेकिन दूध, जय माता जी, जय माता जी। अपनी बीवी को भी नंबर नहीं बताया की मैं तिजोरी खुली ना रुपए हाथ, ऊपर से बीवी जो हाथ से गई। कहीं का हम यहाँ तिजोरी साफ करने आए, उसकी बीवी पे हाथ साफ करने नहीं आए। हमारा तन गंदा है मगर मन उजला है, एक बात याद रख, उसकी बीवी तो एक तरफ, अगर नौकरानी का भी नाम लिया ना तो मैं तेरी 32 निकाल के तेरे हाथ में रख दूंगा। कहाँ रख दूंगा? हाथ में। हाँ Thank you.
बस तू कहाँ नौकरी करके आ रहा है? मैं लोहार की भट्टी में हथौड़ा पीट कर आया हूँ। अरे कितना पढ़ा लिखा है तू, क्या क्या सपने देखे थे हमने, कैसी कैसी उम्मीदें बांध रखी थी तुझसे कि एक दिन तू पढ़ लिख कर बड़ा इज्जतदार आदमी बनेगा, समाज में अपने लिए एक ऊंचा मकाम पैदा करेगा, दौलत ना सही इज्जत और नाम कमाएगा। लेकिन एक मामूली लोहार के यहाँ घटिया मजदूरी करके तूने हमारे सपनों को उसकी भट्टी की आग में जलाकर खाक कर डाला है। नहीं बाबूजी, मैं तो अपनी मेहनत से आपके बुझे हुए दिए में उम्मीद की नई किरण पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये प्रकाश इस घर में सुख का प्रकाश लाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बाबूजी, बड़ी टेढ़ी है ये दुनिया, यहाँ हकदार को भी अपना हक भीख की तरह मांगना पड़ता है। अनपढ़ नौकरी मांगने जाए तो उसे डिग्री लाने के लिए कहते, डिग्री लेकर जाए तो वसीले लाने के लिए कहते, और वसीले के लिए किसी के पास जाए तो रिश्वत मांगते। मगर उस ईमानदार रहीम चाचा ने न डिग्री मांगी, न वसीला मांगा, न कोई रिश्वत मांगी। अरे किस खानदान में जन्म लिया है, कितने बड़े महाराजा का पोता कहलाया है और ऐसा घटिया काम कर रहा है? सासू माँ के कहने का मतलब ये है कि खानदान की मान मर्यादा के खिलाफ ऐसा घटिया काम करने पर इस घर की बाकी तुम्हारी लड़कियों को कौन ब्याहेगा? जब मेरी बहन की मंगनी पर आप दोनों ने हंगामा मचाया था तब कहाँ गई थी आपकी मान मर्यादा? बाबूजी ये रख लीजिए, ये मेरी मेहनत और खून पसीने की कमाई है बाबूजी। वाह वाह, मजदूरी को कितना बड़ा नाम दिया है। माँ, मेरे साथ ये गैरों जैसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? तुम्हारा बेटा जिंदगी की पहली कमाई लेकर आया, तुम तो ममता की लाज रखते हो, अपने बेटे की मेहनत की कदर करते हुए रख लो माँ। खबरदार बहू, जो इन पैसों को हाथ लगाया। ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ, हमें इन जिल्लत के पैसों की जरूरत नहीं है। पैसे? मेरे हक हलाल की कमाई, मेरी मेहनत के पैसों को आप जिल्लत के पैसे कह रही है? हाँ हाँ, जिल्लत के पैसे, नीच और छोटा काम करके कमाए हुए पैसे। नदी माँ, आपने बहुतों को शिक्षा दी होगी, काश कोई आपको भी शिक्षा दे सकता। दुनिया में कोई काम छोटा नहीं होता, छोटा होता है आदमी, उसके करतूत, उसका दिल। अगर ये बात लोगों की समझ में आ जाए तो इस घर की तरह इस देश के लाखों घर इस तरह बदहाल ना होते। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है, लेकिन मैं उनके जवाब से निराश नहीं हुई। मैं उनका इलाज करवाऊंगी और उस इलाज के लिए बहुत सारे रुपयों की जरूरत पड़ती है। तुम्हारी जेब में पैसे हैं? तुम्हारे पास पैसे हैं? मैं कहती हूँ तुम्हारे पास पैसे हैं? तो फिर पैसों के बिना यहाँ क्यों आए हो? भिखारी कहीं का, मैं ये बुरे काम पैसों के लिए करती हूँ? फिर कभी उस खिड़की से इस तरह देखा तो चले जाओ। सर, मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए प्रोविडेंट फंड में से लोन के लिए अर्जी दी थी, आपने सिर्फ आधा ही लोन सैंक्शन किया है। आप पहले ही काफी लोन ले चुके हैं, इसलिए हेड ऑफिस ने आपके प्रोविडेंट फंड से आधा ही लोन सैंक्शन किया है। लेकिन साहब, मैं आपकी मजबूरी को अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं अपने उसूलों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी।
सुनिए, क्या बात है, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। परेशानी की बात तो है लक्ष्मी, अगर हम माया के दहेज की रकम नहीं दे पाए तो वो और उसका पति हमारी इज्जत को सड़क पर ले आएंगे, और अगर सरस्वती की शादी नहीं हो सकी तो बेचारे का दिल टूट जाएगा, वो उस सदमे को नहीं सह पाएगी। मेरे को समझ भी नहीं आता मैं क्या करूं। इसमें चिंता की क्या बात है, ये दुख तो हमारे जिंदगी के साथ लगे हुए हैं। माँ, माँ, अरे क्या बात है बेटा, बैठ बैठ बैठ। माँ मैं सोच रहा हूँ इस महीने माया के दहेज की रकम चुका दूँ। अच्छा अच्छा, इसीलिए तो मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ बेटा। और सोच रहा हूँ सरस्वती का ब्याह भी इसी साल कर दूँ। बिल्कुल सही सोच रहा है बेटे, जवान बेटी का ज्यादा दिन घर में बैठना अच्छा नहीं, जल्दी से जल्दी उसके हाथ पीले करके उसे ससुराल विदा कर दे। सुबह शाम इसी कोशिश में लगा हूँ माँ, यहाँ तक कि प्रोविडेंट फंड के लोन के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन अब तक सिर्फ आधी रकम जमा कर पाया हूँ। तो फिर अब क्या होगा? सारे डर से नाकाम लौटकर मजबूर होकर मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ माँ। मदद? अगर तुम मेरी कुछ मदद कर सको तो ये दोनों काम हो सकते हैं। कैसी मदद? माँ मुझे तुम्हारी ये सोने की चेन चाहिए माँ। क्या? इसे मांगने की तेरी हिम्मत हुई कैसे? अरे तेरे पिता के मरने के बाद मैंने मंगलसूत्र को पिघला के ये निशानी रखी है, इसे बेचने का तेरे दिल में ख्याल आया कैसे? बेचने को नहीं मांग रहा हूँ माँ, कुछ दिनों के लिए गिरवी रखने को मांग रहा हूँ। ये दोनों शुभ काम हो जाएंगे, और जैसे ही पैसे मिल जाएंगे सबसे पहले तुम्हारी चेन छुड़वा के लाऊंगा मैं। अरे दादा बड़ा आया चेन छुड़वाने वाला, अपनी बहन के दहेज का वादा तो पूरा किया नहीं, मेरी चेन क्या छुड़वाएगा? मेरी बात तो सुनो माँ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मैंने ये चेन इसलिए नहीं पहनी कि मुझे सोना पहनने का शौक है, बल्कि इसलिए पहन रखी है कि कल को मैं मर जाऊँ तो मेरा क्रियाकर्म करने के लिए तुम्हें दूसरों के पास भीख न मांगनी पड़े। मैं जानती हूँ तुमने अपने पिता का साथ राजा महाराजाओं जैसे किया, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती, लेकिन खबरदार अपनी जरूरतों के लिए इस चीज का नाम फिर कभी मत लेना। जाओ जाओ। अगर तू खामोश रहे तो ये घर संसार कर्जों के बोझ तले पिस कर रह जाएगा। इस घर की समस्याओं का हल हमें खुद ही निकालना होगा सरस्वती। इस घर की समस्याओं का हल हमें खुद ही निकालना होगा सरस्वती। इस घर की समस्याओं का हल हमें खुद ही निकालना होगा सरस्वती। तेरे भैया कहीं से पैसे लेकर आए, तो फौरन जाकर बनवारी से कह कि सुबह होने से पहले अपनी दहेज की रकम मांग ले, नहीं तो सारा पैसा इस परिवार के सागर में डूब जाएगा, तो माथा पीटती रह जाएगी। जा जल्दी जा। अच्छा हाँ।
नई गली का प्यार है जवां, नई है खुशबू नया शबा।
नौजवान अब तुम जा सकते हो। अरे ऐसे कैसे जाएंगे, बख्शीश दे कर जाएंगे। तो जो ना। अरे ओ हो, तो इसका मतलब ये है कि शूटिंग से पहले तुमने मेरे पैसे गायब कर दिए। क्या मतलब? मतलब तुम्हारी बेटी अच्छी तरह से जानती है, मेरे पैसे लाओ। कौन से पैसे? डोंट टॉक, मतलब डोंट टॉक। वो पैसे एक नेक इंसान एक नेक काम के लिए उधार लिए थे और मैंने बड़ी मेहनत करके एक मास्टर प्लान से वो पैसे उड़ाए थे। ठीक तरीके से मेरे पैसे वापस कर दो वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। घबराओ मत राजा, अभी देती हूँ। रिंगो, अरे ओ रिंगो। ये रिंगो कौन है? हेलो रिंगो। रिंगो ये कुछ मांग रहे हैं, पर हमने तो कह दिया अब तुम कुछ इन्हें देकर रवाना करो। बैठो नौजवान, ये दे रहे हैं, लेकर ही जाना। भैया ने बार बार इस शादी से इनकार करने को कहा, मगर मैं क्या करूं? जिंदगी में मैंने आपके सामने कभी जबान नहीं खोली। मेरी शादी के लिए जब आप माँ की चूड़ियाँ बेच रहे थे, मैं अनजान बनकर सब कुछ देखती रही। उधार के लिए जब आप सारे शहर में भटक रहे थे, तब भी मैं खामोश रही। जब आपके दुखों को मैंने अपनी आंखों से देखा, तो मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, आपकी बेटी सरस्वती। मिस्टर प्रकाश, मैं एक भाई के जज्बात को समझ सकता हूँ। मैंने शहर के तमाम पुलिस स्टेशन में आपके बहन के खो जाने की खबर भेज दी। जैसे ही खबर मिलेगी मैं आपको फौरन इत्तला करूंगा। थैंक यू सर। भाइयों मेरी बात सुनिए, सब सज्जनों मेरी बात सुनिए। प्रकाश बेटे को अच्छी तरह से मालूम है कि अगर इसने आप लोगों का कर्जा नहीं चुकाया तो आप लोग अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और इसका घर नीलाम हो जाएगा करके सारे लोग कचरे की तरह से बाहर फेंक दिए जाएंगे। लेकिन भाइयों आप ही बताइए, बेचारा करे भी तो क्या करे? इतनी ऊंची पढ़ाई के बाद कितनी नीची नौकरी मिली, एक लोहार की भट्टी में हथौड़ा चलाने का काम, तू 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 बड़ी बड़ी बात है।
लेकिन भाइयों इसको कर्जा सिर्फ बाहर वालों का ही नहीं बल्कि घर वालों का भी चुकाना है। ये देखिए प्रो नोट, मेरी शादी के वक्त इनके स्वर्गीय पिताजी ने दहेज देने की स्थिति में मुझे ये प्रो नोट लिख कर दिया था। मैं अगर चाहूँ तो घर को नीलाम करके अपने दहेज की रकम वसूल कर सकता हूँ, लेकिन मेरा फरिश्तापन और दरियादिली देखिए कि मैंने आज तक इन लोगों को कागज के बारे में कुछ नहीं बताया बल्कि कर्जा उतारने के लिए एक से एक सॉलिड तरीके बताए मगर सब बेकार। ये कहते हैं कि चाहे ये बर्बाद हो जाए लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। आपको सबके सामने इस घर की दास्तान सुनाने और हमारे साथ हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं। अगर कर्जों का बोझ हमारे कांधों पर है तो हम उसे अपने कांधों पर उठा लेंगे। आप खाम का अपना कांधा पीछे मत घुसेड़िए। क्यों ना घुसेड़ू, मैं तुम्हारी फूफी का फूफा हूँ, मेरा मतलब तुम्हारी फूफी का पति हूँ, तुम्हारा फूफा हूँ, घर का सदस्य हूँ, परिवार का हमदर्द हूँ। ठोकर आप कंधों पर खाते हैं तो ठोकर मेरे कलेजे पर लगती है। हाँ तो भाइयों मेरे जज्बाती मगर मासूम भतीजे पे रहम कीजिए, इसकी तरफ से मैं आप लोगों के पांव पड़ता हूँ। जी आपको हमारे लिए किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम कर्जा लेना जानते हैं तो हम कर्जा चुकाना भी जानते हैं। देखिए भाइयों मुझे एक आखिरी मौका दीजिए, मुझे 15 दिन की मोहलत चाहिए, मैं पिताजी के सारे कर्जे उतार दूंगा। अगर मैं नाकाम रहा तो आप ये मकान नीलाम करवा सकते हैं या जो आपकी जी में आए वो कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने इतने दिन इंतजार किया है 15 दिन और सही। क्यों भाइयों प्रकाश बेटे, इन लोगों का कर्जा चुकाने से पहले मेरा कर्जा जरूर उतार देना। आप तो घर के आदमी हैं, हमदर्द हैं, सबर कर सकते हैं, थोड़ा सबर कीजिए। सबर का फल इतना मीठा होता है कि आपकी कड़वी जबान को दोबारा शक्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, बाप के मरते ही खुलिया भी बदल गया तुम्हारा। अरे खुलिया क्या चीज है पटाखो, अभी देखो क्या क्या बदलता है। मतलब बाप के मरने का कोई दुख नहीं हुआ था? अरे बुढ़े तो होते ही मरने के लिए, उनके मरने पर कौन अफसोस करेगा। बहुत अच्छे। अच्छा एक बात तो बताओ मुझे, सुना है तुम्हारे घर से कुछ रुपए चोरी हुए हैं? हाँ सही सुना। अच्छा कहीं वो रुपए तुमने मेरे लिए तो नहीं चुराए? और अगर चुराए भी है तो कहाँ है वो रुपए? चुराए तो मैंने तुम्हारे लिए ही थे, मगर उसी रात साला कोई मुझसे भी मार कर ले गया। औरतों की तरह अगर मर्दों का भी कोई बाजार होता तो तुम्हें वहीं पर ले जाकर बिठाना चाहिए था। क्या वक्त है? ठीक कह रही हूँ बे, मूछ रखने से आदमी मर्द नहीं हो जाता। अबे मैं तो एक जिंदगी को बचाने के लिए सांप के कीचड़ में कूद पड़ी, मगर तू तो वो कीचड़ है जिसने अपने बुरे कामों के लिए अपनी बाप की जान ले ली। अगर मैं गंदी हूँ तो तू गंदगी से भी ज्यादा गंदा है। देख मुंह संभाल कर बात कर वरना मैं हुलिया बिगाड़ दूंगा। अबे जा जा, अपनी सूरत तो सुधार नहीं सकता, मेरा हुलिया क्या बिगाड़ेगा। मैं तेरा इस मोहल्ले में रहना मुश्किल कर दूंगा। अबे बाप की कमर को बेचकर पैसा खाने वाले, तू क्या मेरा रहना मुश्किल करेगा। मैं खुद ये मोहल्ला छोड़कर जा रही हूँ, मगर तुझसे डरकर नहीं बल्कि तेरे जैसे जलील के साए से बचकर जा रही हूँ। चल निकल यहाँ से, निकल। देख लूंगा। अबे जा। कहाँ से आ रहा है? मैं वो लड़का है पढ़ने। कहाँ से आ रहा है? पता कहाँ से आ रहा है? मैं तुझे मार डालूँगा। भैया बोल। मैं वो पटका मुंह कला करके आ रहा है। बोल, बोल, बोल। अब तेरा मुंह नहीं खुलता कभी। पिताजी को गुजरे हुए 10 दिन भी नहीं हुए और तू अपने छोटे भाई को मार है। वो जब तक विधवा थे उन्हें कभी देखा था इसे चांटा मारते हुए? पिताजी ने इसे कभी चांटा नहीं मारा, इसलिए आज ये हमारी इज्जत के मुंह पर चांटा मारा। माँ इसने वो नीच और घिनौना काम किया है जिसके लिए अगर इसे जिंदा दफन कर दिया जाए तो वो भी कम है। क्या किया है इसने? जानना चाहती हूँ इसने क्या किया है। नहीं माँ, मैं ये गंदी बात अपनी जबान पर नहीं ला सकता। बेटा इसने भूल की है तो इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, मगर इस वक्त तुझे भी ऐसा होना चाहिए, ये तेरा भाई है। भाई आई, 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 आई,
माँ तेरे को मालूम है उसने मेरे को क्यों मारा? क्यों मारा? इसलिए माँ मैंने ना उसको नौकरानी रदिया को छुप छुप कर गंदी हरकतें करते हुए देख लिया था माँ। पहले ना उसने मुझे खून बनाया, मेरे पाँव पकड़ लिए माँ, कहने लगा किसी को मत कहना। मैंने कहा मेरी रगों में इज्जतदार बाप का खून है, मैं तो सबको कहूंगा, तो माँ उसने मुझे मारा। चंदन खबरदार, जो जबान से प्रकाश के लिए ऐसे गंदे शब्द निकाले, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। इस गरीब विधवा की झोली में एक ही हीरा और वो है मेरा बड़ा बेटा। और जहाँ तक रजिया का संबंध, वो एक नेक और शरीफ लड़की है। आइंदा अगर भूल कर भी उसके बारे में कोई शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अच्छा तुम लोग। अरे चंदन कमाल है यार, कहाँ है तू? एक मुद्दत हुई तुझसे मुलाकात ही नहीं हुई। मुलाकात कहाँ से होगी, तुम लोगों ने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया है। लगता है धंधा पानी शुरू कर दिया है। बहुत माल आ गया है। हाँ धंधा तो शुरू कर दिया है, तुम चाहो तो तुम भी आ जाओ पार्टनरशिप में। मैं तेरी कसम बावले। ये तो क्या कर रही थी? हाँ क्या हो गया तुझे? इतने दिनों से तू कहाँ थी? अरे बोल पगली, मैं तो तेरा भाई हूँ, मुझे तो बता। बोल सरस्वती, बोल, बोल ना। भैया घर छोड़ने के बाद मैं सीधे रमेश के घर गई। उसने मुझे सहारा दिया क्योंकि उसके पिता हमारी शादी के खिलाफ थे, इसलिए हमने भगवान को साक्षी मानकर मंदिर में शादी कर ली। उसके पिता को एक दिन सब पता चल गया और वो रमेश को मुझसे जुदा करके अपने साथ ले गए। आज वो जबरदस्ती रमेश की शादी किसी और लड़की के साथ करवा रहे हैं। हाँ भैया, मेरे लिए पति के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था भैया। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ मंगलम। माफ करना किशनलाल जी, मैं दुल्हन का बाप हूँ, फिर भी वर्दी पहन के आया हूँ। पुलिस का कर्मचारी हूँ, ड्यूटी का पुजारी हूँ। इधर मेरी बेटी की शादी हो रही है, उधर मेरी ड्यूटी चल रही है। कोई बात नहीं समझे जी, सारी दुनिया जानती है कि आप एवर रेडी बैटरी की तरह हमेशा चार्ज में रहते हैं। मैं इतना चार्ज में रहता हूँ कि रात को भी वर्दी उतारने को टाइम नहीं मिलता। आई एम टू मच चार्ज। अरे भाई ये क्या हो रहा है, सबको पंखे बांट रहे हो, मुझे भी दो, मुझे भी गर्मी लग रही है। अरे अब लीजिए। हे मिस्टर, अरे यार ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं सच्चाई है, बल्कि इंस्पेक्टर साहब रमेश और मेरी बहन सरस्वती की शादी का सबूत है ये। शादी का सबूत? जी हाँ, ये आदमी आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी जबरदस्ती करवा रहा है, जबकि इसकी शादी मेरी बहन से पहले हो चुकी है। क्या नहीं समझे जी, ये झूठ है, इसका विश्वास मत कीजिए। ये नकली तस्वीरें छपवाकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। अरे तू खुद पाप का मैल है, तुझे कोई क्या ब्लैकमेल करेगा? और ये तस्वीर, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये सब धोखा है, मेरा बेटा कमारा है, उसकी कभी शादी नहीं हुई। और ये लड़की कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है, मुझे मालूम है ये मेरी धर्मपत्नी इंस्पेक्टर साहब। मैंने इसके साथ मंदिर में शादी की थी, लेकिन आज मेरी मर्जी के खिलाफ मेरा ये बाप जबरदस्ती मेरी दूसरी बार शादी करवाना चाहता है। हम उस गधे की औलाद, सिर्फ हार डालने से शादी हो जाती है क्या? हमने सिर्फ हार ही नहीं डाले पिताजी, बल्कि पति पत्नी की तरह कई दिनों तक गृहस्थ जीवन भी बिता चुके हैं। किशन लाल, एक शादी शुदा जोड़े को अलग करके दूसरी शादी करवाना जुर्म है, और जुर्म के मंडप में तू मेरी बेटी को दुल्हन बनाना चाहता है? उठा बेटी। समझी की मेरी बात तो सुनिए। छोड़ बात को, ऐसी लात मारूंगा कि हवालात में डाल दूंगा। शरीफ बच्ची का हक छीन कर उसकी जिंदगी तबाह करना चाहता है। इस तेरा अपना बेटा है या किराए का टट्टू है? चलो बेटी चलो। सुनिए तो रौनक, पंडित जी शुरू करो।
ओम मंगल देवताय नमः स्वाहा, ओम चंद्र देवताय नमः स्वाहा, ओम बुद्ध देवताय नमः स्वाहा, ओम बेटा बेटा प्रकाश प्रकाश तेरा बाप चाहे जिस लोक में हो तेरा ये काम देखकर बहुत खुश होगा बेटा बेटा प्रकाश। या मेरी हालत खराब हो गई, हैंडल घुमा दो, मेरे हाथ दुखने लग गया। मेरे हाथ दुखने लगे और एक सुअर जैसे मेंढक को उठाते उठाते मेरी कमर दुखने लगी। देख, या तो तू सुअर बना या मेंढक बना, नहीं बना। मुझे नहीं लग रहा, सोने जा रहा हूँ। सोने जा रहा है साला, काम चोर मुफतखोर निवालेखोर हरामी जो कुछ भी है सब कुछ है साला, खटाटे भर रहा है। खुल गई। अबे हरामजादे सुअर, गधे की तरह खराटे मार मार के सो रहा है, मेरा भेजा कैसे काम करेगा? अरे गुस्सा मत करो गुरु, उस सेठ को खराटे लेने की आदत है, मैं नहीं लूंगा तो वो लेडी है ना, कौन सी? फैमिली लेडी। हाँ फैमिली लेडी, उसको शक हो जाएगा, उसके लिए आवाज निकाल रही हूँ, वो थोड़ी ना सुझा बेटे। जी में आता है कि एक पंच मारकर तेरे दांत तोड़ दो, लेकिन मुझे डर है कि तू साला कहीं मर ना जाए। देख देख भैया, मैं तेरे से आखिरी बार पूछता हूँ, मुझे बता दे, बता दे। अरे तंग मत कर। हेलो बता दे गुरु। अरे देख गुरु, ये बच्चा बेचारा कितने प्यार से पूछ रहा है, बताओ ना। एक तो तुम्हारा भी कमाल है, तिजोरी का नंबर अपनी बीवी तक को नहीं बताया, मैंने उसे कितने प्यार से पूछ के देखा। क्या कहा हरामजादे, तूने मेरी बीवी से प्यार से पूछा? मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अरे रे रे, प्यार का मतलब गलत मत समझो, मैंने सिर्फ उससे प्यार से पूछा, कुछ किया थोड़ी, भगवान की कसम। मत वो तो बहुत कुछ करने को तैयार थी, मगर मैंने कुछ नहीं किया। हाँ इसलिए कि वो मुझे बेहद चाहती और मुझसे बेहद नाराज था, इसलिए तुम्हें मैं समझकर मुझे खुश करने के लिए से तुम्हारे साथ कुछ किया होगा। क्या किया था तुम्हारे साथ? हेलो भाई साहब, कुछ नहीं किया, वो जैसी थी वैसी पाक दामन है, तुम्हारी तिजोरी की कसम। बस ठीक है, ठीक है ना, तो फिर बता ना। इसी पैसे के कारण मेरी इकलौती बेटी मेरा घर छोड़कर चली गई, फिर भी मैंने उसे ना ढूंढने की कोशिश की और ना अखबार में इश्तेहार दिया, और तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारी धमकियों से डरकर तुम्हें तिजोरी का नंबर बता दूंगा? कभी नहीं बताऊंगा। मैं तेरी जान। गुरु। हेलो गुरु। हाँ गुरु। जो जिद्दी आदमी केरिया है, इसकी बेटी आएगी जो घर छोड़ के चली गई है, और इसने इसको ढूंढवाने के लिए अखबार में खबर तक नहीं दी। अगर हम लोग अखबार में खबर दें तो उसकी बेटी मिल जाएगी, और उसके बाद जय जी। बच्चा डर गया यार, बच्चों ने बम खा लिया था क्या? दंगना कोड़का। नहीं नहीं बड़ी नहीं, छोटी गाली। मम्मी दादा, मम्मी दादा, मेरी बच्ची तू कहाँ थी इतने दिन बेटी? क्या इस तरह माँ से रुठकर कोई घर छोड़कर चला जाता है? तेरे बापू का गुस्सा ठंडा करने की मैंने बहुत कोशिश की, मगर तू तो जानती है वो कितनी जिद्दी इंसान है। पर ये क्या, ये कैसे तूने मामूली से कपड़े पहन रखे हैं? कहाँ थी इतने दिन? मम्मी मैं सारी बातें बाद में बताऊंगी, अभी इतना बता दूं कि मैं एक मामूली घर में नौकरानी बनकर रह रही हूँ। वो लोग बहुत शरीफ हैं, मैं वहाँ बहुत खुश हूँ और सुरक्षित हूँ। मम्मी इस वक्त वो लोग बहुत तकलीफ में हैं, उन लोगों को पैसों की बहुत जरूरत है, जल्दी से 15,000 रुपए दे दो। लेकिन मम्मी प्लीज, मम्मी जल्दी करो, मम्मी प्लीज प्लीज मम्मी। थैंक यू। सुना, बुजुर्गों का कहना है कि अगर नौकर घर के सुख दुख को अपना समझने लग जाए तो उसे नौकर नहीं अपने घर का एक इंसान समझना चाहिए। अगर तुम भी हमको अपना ही समझते हो, गैर नहीं, तो एक कृपा करो, हमसे कोनो सवाल किए बिना ये पैसा ले लो और ये खानदान पर जो नो कर्जा है वो क्या अदा करो। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, अब पूछने की जरूरत भी क्या है? तुम क्या हो, तुम्हारी असलियत क्या है, वो सब कुछ आज के इस अखबार में छप चुका है, ये देखो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं किसी का एहसान नहीं लेता, इसलिए ये पैसे तो हरगिज नहीं लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुम एक करोड़पति बाप की बेटी होते हुए भी हम गरीबों के बीच इतने दिन गुजार दिए। नहीं प्रकाश बाबू, जिस घर में तुम जैसा फरिश्ता रहता हो वो खानदान
कभी गरीब नहीं हो सकता। तुम्हारे पास खुददारी, शराफत और ईमानदारी की दौलत है, और तुम्हारी इस दौलत के मुकाबले में बड़े से बड़ा आदमी फकीर लगता है। एक बात बताओ, तुम हमारे घर में एक नौकरानी की हैसियत से काम करने क्यों आई? उस रोज जब तुम मेरे पिताजी के ऑफिस में इंटरव्यू के लिए आए थे, उस वक्त मैं वहीं मौजूद थी। तुम पहले आदमी थे जिसने मेरे पिताजी को मुंह तोड़ जवाब दिया, उनको सच्चाई का आईना दिखाया। तुम्हारा वो अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। और उसी रात मैं और मेरे पिताजी खाना खा रहे थे, तो ये लीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी चिड़िया क्यों गिन रहे हैं? इसलिए कि मेरी ऑफिस में एक बेवकूफ नौजवान आया था, कहने लगा आपकी बीवी के हाथ में चूड़ियां कितनी है। बेवकूफ नहीं था डैडी, बल्कि अकलमंद था। मम्मी, उस वक्त मैं भी वहाँ मौजूद थी। क्या नौजवान था, हीरो ऑफ द प्रेजेंट सोसाइटी। हीरो नहीं था, जीरो था। बल्कि जीरो से भी अगर कोई कम नंबर होता है तो वो था। और तुम्हें यहाँ बैठकर मेरी बेइज्जती पे खुश होने का मौका सिर्फ इसलिए मिल रहा है कि तुम इस अमीर बाप की बेटी हो जिसकी दौलत की छत्र छाया में तुम पल रही हो, और तुम्हें भी धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया होता। यस, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मेरी बेइज्जती पे खुश होने से पहले ये सोच लो कि तुम्हारी जिंदगी की हर खुशी तुम्हारे समीर बाप के दम से है। तुम्हारे पास मोटर है, बंगला है, एयर कंडीशन कमरे है, सब मेरी वजह से है। अगर अपने बाप का नाम हटाकर खुद कुछ कमाने की कोशिश करो तो पता चलेगा। ऐसे बाप की दौलत से सभी बड़ाई मान लेते हैं। दिस इज टू मच। नॉट टू मच, थ्री मच, बल्कि मगरमच्छ, लेकिन बिल्कुल सच। अगर मैं तुम्हें अपनी जायदाद से अलग कर दूं, घर से निकाल दूं, फिर तुम्हें पैसे की कीमत का पता चलेगा, समझी? मतलब आपकी नजर में दौलत ही सब कुछ है, दौलत के मुकाबले में आप अपनी बेटी को कुछ नहीं समझते? माँ बेटी प्यार मोहब्बत क्या है, सब बकवास है। पैसा है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। आप पैसे की करामत है, समझी? कोई जरूरत नहीं बुलाने की, तू लगेगी तो आगे खा लेगी। तुम्हारी जिंदगी की हर खुशी तुम्हारे समीर बाप के एयर कंडीशन कमरे से मेरी वजह से। मोटर है, बंगला है, एयर कंडीशन कमरे से मेरी वजह से। तुम्हारी जिंदगी की हर खुशी तुम्हारे समीर बाप के दम से। बंगला है, एयर कंडीशन कमरे से खुद कुछ कमाने की कोशिश करो तो पता चलेगा। डैडी, आपका कहना है कि मैं बाहर की दुनिया में अपने बल पर नहीं जी सकूंगी। जिस दिन मैं ये साबित कर दूंगी कि मैं जी सकती हूँ, उस दिन मैं आकर आपसे मिलूंगी। तुम कभी साबित करके नहीं दिखा सकती। करके दिखाऊंगी। गुड बाय। और उसके बाद मेरी तकदीर मुझे यहाँ ले आई। यहाँ आकर मुझे पता चला कि ये घर तुम्हारा है, उस इंसान का है जिसका मेरे पिताजी ने अपमान किया। जिस नौकरी पर तुम्हारा हक था, वो तुम्हें ना देकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। तब मैंने फैसला किया कि अगर तकदीर ने साथ दिया तो मैं तुम्हारी नौकरानी से तुम्हारी दासी बनकर रह जाऊंगी। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता रहा था, हालांकि जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तो मुझे लगा कि तुम एक अमीर खानदान की बिगड़ी हुई और बदजबान लड़की हो। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि तुम बहुत अच्छी, बल्कि बहुत महान हो। मैंने तुम्हारे पिताजी को लिख दिया है कि तुम यहाँ हो, और वो बहुत जल्द तुम्हें लेने आ रहे हैं। एक अच्छी लड़की होने के नाते मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम जाने से इनकार नहीं करोगी। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं इस घर से चली जाऊंगी, लेकिन बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। जानते हो क्यों? क्योंकि एक दिन ये घर मेरा होने वाला है। गुजरात ने के
लटके हैं गरबे के प्यारे रूप जवानी तेरे साथ है पर झटके वाली लावनी में सुनते हैं के और ही कुछ बात है बड़ी खुशी हुई कि मेरी बेटी राधा आप जैसे इज्जतदार नहीं मैं इज्जतदार और सज्जन लोगों के साथ थी और मैं तो परेशान नहीं परेशान हो गया था। मैं माफ करना बेटी मैंने अनजाने में तुमको भला बुरा कहा राजा रानिया जी कैसी बातें करती हो दादी माँ बड़ों के मुंह से निकली हुई गालियाँ छोटों को दुआ बनकर लगती है जो बड़ों की डांट खा लेता है वो जिंदगी की ठोकरे नहीं खाता आप लोगों ने मुझे जिंदगी में वो अपनापन दिया जो मैं अपने पिता की पूरी दौलत खर्च के भी नहीं खरीद सकती थी मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए डैडी आपने इन्हें पहचाना नहीं बेटी क्या आजकल मेरी याददाश्त वो याददाश्त थोड़ी कमजोर कमजोर हो गई है तो मुझे कुछ याद नहीं रहता भूलने लगा हूँ खैर चलो घर चलते हैं तुम्हारी मम्मी तुम्हारा इंतजार कर जी? नहीं मेरा मतलब इंतजार कर रही होगी बेटी हम इस लायक तो नहीं है लेकिन कभी हमारी याद आएगी तो मिलने आओगी ना आओगी ना जरूर पत्नी मैं कभी आप लोगों को भूल सकती हूँ
आप सिर्फ दिल में राधा को याद कर लिया करना, मैं खुद बखुद चली आऊंगी। चले आना बेटी, जरूर आना। बेटी तेरी माँ तेरा ऊपर इंतजार कर रही है। बेटी सुन, मेरे पैर में जरा तकलीफ है, तू ऊपर जाके तिजोरी खोल के 50,000 रुपए निकाल कर ना, ऑफिस में लोगों को तनख्वाह देनी है। मैं कैसे ला सकती हूँ डैडी, आपने तो मुझे तिजोरी का नंबर बताया ही नहीं। यही तो मुसीबत। अब देख मेरी आदाश को जाने क्या हो गया है, तेरे को नंबर नहीं बताया, तेरी माँ को भी नहीं बताया, मैं खुद ही भूल गया। और पैसों की अब तक जरूरत है क्योंकि ऑफिस में लोगों की तनख्वाह देनी है, किधर से दूंगा। नहीं नहीं तू 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 जा 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 जा। ये साला हरामखोर सेठ कितना कंजूस है, देखो अपनी बेटी को नंबर नहीं बताया, अपनी बीवी को नहीं बताया, तो क्या अपने बाप को पता? वो भी साला हाथ में मर गया, कुत्ते का बच्चा साला। प्रकाश। अरे राधा तुम। हाँ प्रकाश, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मेरे पिताजी। क्या हुआ तुम्हारे पिताजी को? प्रकाश कुछ गड़बड़ है, मेरी मम्मी ही नहीं मैं भी उनको देखकर बहुत परेशान हो रही हूँ। वो मेरे पिताजी नहीं हो सकते प्रकाश। ये तुम क्या कह रही हो? इसके बहुत से कारण हैं। तुम्हें याद है जिस दिन मुझे लेने के लिए वो तुम्हारे घर आए थे, उस दिन उन्होंने तुम्हें नहीं पहचाना। ऐसा कभी हो सकता है? पिताजी की याददाश्त तो कंप्यूटर की तरह है, और आज अपनी जान से ज्यादा प्यारी तिजोरी का नंबर भूल गए। अब मुझसे मम्मी से कहते हैं उसे खोलो। इसके अलावा बाएं हाथ की जगह दाएं हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं वो। ओह, लेकिन अब क्या करना चाहिए? तुम भी मेरे साथ चलो, मालूम करते हैं कि असलियत क्या है। ठीक है रहीम चाचा, मैं अभी आया। नमस्ते गिरधारी लाल जी। दिमाग का डॉक्टर हूँ और मैंने तुम्हारे दिमाग की चोपड़ी पड़ी है, और इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि तुम्हारे दिमाग के बर्तन में आकाश के कीड़े मर गए हैं, जिस तरह फ्लिक मारने से मच्छर मर जाती है। हमें उन कीड़ों को फिर से जगाना होगा, एक एक कीड़े को उठाकर उसमें अक्कल का इंजेक्शन घुसाना होगा। इससे पहले तुम्हारी खोपड़ी का ढक्कन खोलकर उसमें से बाहर निकालना हो। कोई जरूरत नहीं है, मरना है क्या? एक तो तुम्हारा नाम एक नहीं लंबा है, मेरा ऑपरेशन कर दिया, मैं लंबा हो गया तो ना। ये डॉक्टर, ऑपरेशन का सामान कहाँ है? इधर सब तैयार है, एवरीथिंग इज रेडी। ये तो कताई का छुरा है, इससे तुम मेरा ऑपरेशन करोगे? मिस्टर गिरधारी लाल जी, तुम्हारा भेजा मर चुका है, एकदम मुर्दा लकड़ी के माफक हो गया है, इसलिए उसे इस छुरे से ठंडा करके खोलना होगा। नर्स, इस मुर्दे को। मुर्दे को? अब मेरा मतलब है इस मरीज को ले जाकर पलंग पर सुला दो। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ, मैं यही ठीक हूँ। पेशेंट पेशेंट, जिद मत करो, जैसे डॉक्टर बोला वैसे ही करो। मिस्टर बल्ले चौपाल। अरे मेरी माँ, जाओ, मैं भगवान की कसम खाता हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरा भेजा बिल्कुल ठीक है, मेरा नारियल मत काटो। हर मरीज ऑपरेशन का सामान देख कर ऐसे ही बोलता है। चलो जल्दी उठो, नहीं तो मैं डेढ़ गज लंबा इंजेक्शन। कोई बात नहीं, अगर मरीज पलंग पर नहीं आता है तो ना सही, हम इसका ऑपरेशन यही बैठे बैठे। नहीं नहीं, नहीं, मुझे 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 माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ, मैं गिरधारी लाल सेठ नहीं हूँ, फकीर हूँ, भिखारी हूँ, ऐसा भिखारी हूँ जिसको भिखारी भी भीख देके जाते हैं। मैं गिरधारी लाल सेठ का हम शक्ल हूँ, मेरा नाम बांकी लाल है, ये देखो ये मैं गिरधारी लाल नहीं हूँ, उनका हम शक्ल हूँ। अब आया ना ठिकाने पर, अब बता असली सेठ गिरधारी लाल जी कहाँ है? बताता हूँ महारानी, एक मुझसे भी ज्यादा 420 आदमी है डेविड। अबे ओए, तू कितना खड़ूस आदमी है, अबे बोल ना तेरी तिजोरी का नंबर क्या है? कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा तरीका भी है, ये देखो ये छोटू है ना, इसके मुंह में जो दांत है कील से भी ज्यादा तेज है, जानते हो ये बड़े से बड़े कबड़ को चबा चबा कर उसका भूसा बना सकता है। अब बता दो ना तिजोरी का नंबर क्या है? नहीं बताऊंगा, मैंने कहा ना नहीं बताएगा। ठीक है छोटू,
इस साले की टांग को काट काट कर कीमा बना दो। नहीं, अब नहीं कटेगा। नहीं कटेगा? क्या बोला मैं? मैं नहीं कटूंगा, ये मेरे बाप जैसा है। अबे साले, तो फिर मैं तेरे और तेरे बाप का बोझा क्या उठाऊं? हैं? हेलमेट? मेरे को नीचे फेंक दिया दंगना कुर्ता। हाँ तो सेट, अब तेरे लिए कोई और इलाज ढूंढना पड़ेगा। तेरे साले। मुझे माफ कर दो। उस दिन मेरी ऑफिस में मेरे गले पे छुरा रखकर मुझे धमकाने वाले क्रांतिकारी तुम ही थे ना? जी हाँ, आप दौलत के घमंड में पढ़े लिखे गरीबों की मजबूरी का मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बगावत पर उतर आया था। ए, पकड़ो उसको, वो भाग रहा है, पुलिस का हवाला कर दो। नहीं सर, ऐसा मत करना, ऐसा मत करो। मैंने जो कुछ भी किया किसी मजबूरी के कारण किया। मुझे घर से गायब करवा के खुद मेरे घर जा बैठे और कहते मजबूरी के कारण किया। हाँ सर, इस दुनिया में इंसान हर काम मजबूर होकर ही करता है। ये बच्चा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये मेरे दोस्त का बच्चा है, उसने मरते वक्त इसे मेरे हवाले किया और मैंने जमेश अपनी औलाद की तरह अपने सीने से चिपटाए रखा। इस बच्चे के दिल में पैदाइशी सुराख है। डॉक्टरों का कहना है ऑपरेशन अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए 50,000 रुपए की जरूरत है। साहब, मुझ जैसा भिखारी इतनी बड़ी रकम कहां से ला सकता है? इसलिए जब मैंने आपको देखा तो ये गंदा विचार मेरे मन में, और मैं ये बेहूदा हरकत कर बैठा। अगर आप समझते कि मैं गुनहगार हूं तो मैं आपका मुजरिम हूं। आपको जो सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन कोई ऐसी सजा मत दीजिए जिसके कारण ये बच्चा मेरे बगैर तड़प तड़प के मर जाए। ऐसी कोई सजा मत दीजिए सर, इस बच्चे को मत मारिए सर। मुझे सब सजा देने दो, मगर मेरा बच्चा न मरने पाए सर, मेरा बच्चा न मरने पाए सर। देखा सर जी, इस दुनिया में औलाद से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। ये दूसरे की औलाद को अपनी औलाद से बढ़कर चाहता है, और आप अपनी औलाद को गैर की औलाद से कमतर समझते हैं। आप दौलत के मैदान में भले ही अमीर हो, लेकिन इंसानियत और जज्बात के मैदान में आप इस फकीर से भी बहुत ज्यादा गरीब हैं। बेटी, बेटी, प्रकाश बेटे, मैंने सुना है तुम्हारा घर कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं तो। शुक्रिया सेठ जी, आपका इतना कह देना ही काफी है। बाप का लिया हुआ कर्ज अदा करना बेटे का धर्म है, और मैं अपना धर्म खुद ही निभाऊंगा। भगवान ने यह हाथ मेहनत करने के लिए दिए, फैलाने के लिए नहीं। मर्द का हाथ मेहनत करने के बजाय फैलना शुरू हो जाए तो उसे काट कर फेंक देना ही बेहतर। मगर कर्ज का बोझ उतारोगे कैसे? कर्ज के पहाड़ को मेहनत की कुल्हाड़ी से काटेंगे, कुछ करेंगे। भाइयों और बहनों, हमारे रॉयल साइकिल की खूबियों को जांचने के लिए कंपनी की तरफ से ऐलान है, जो कोई भी लगातार 7 दिनों तक साइकिल चलाएगा उसे 10,000 रुपया इनाम में दिया जाएगा। याद रखिए, 10,000 रुपया 7 दिनों में, 10,000 रुपया सिर्फ 7 दिनों में, 10,000 रुपया। सुना है आजकल पैसों के लिए तू हर घटिया काम कर रहा है, साइकिल चला रहा है।
अगर यही तेरे लक्षण रहे तो खानदान की इज्जत का सत्यानाश होकर रह जाएगा। क्यों सत्यानाश होगा हमारे खानदान की इज्जत का? मैं कोई चोरी का काम कर रहा हूँ या उस जन्म देने वाली माँ को धोखा देकर कोई गलत काम कर रहा हूँ? मैं सिर्फ साइकिल ही तो चला रहा हूँ, कोई जुआ खाना या शराब खाना तो नहीं चला रहा। देखो प्रकाश, छोटे खानदान वाले जुआ खाना या शराब खाना चलाए या बड़े खानदान वाले साइकिल चलाए, बात तो एक ही है, दोनों ही इज्जत के मुंह पे जूता मारने वाले काम। इससे पहले भी तुमने लोहार के हाथ जाकर हथौड़े चलाए थे, उन्हीं हथौड़ों ने खानदान की इज्जत को चकना चूर करके रख दिया, उसी के कारण तुम्हारे पिताजी मर गए। और अब क्या तुम? मेरा बुआ, मेरे पिता मेरे लोहार के हथौड़ा चलाने के सदमे से मर गए, ये तुम मुझसे कह रही हो? मेरे पिता की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये एहसास तुम मुझे दिला रही हो? तुम प्रकाश, ये क्या कह रहा है? आपको नया तमाशा खड़ा कर देना चाहता है? मैं कोई तमाशा खड़ा नहीं कर रहा हूँ माँ, बल्कि तमाशा करने वालों को जवाब दे रहा हूँ। ये कह रही कि पिताजी मर गए, मैं इन्हें बतला रहा हूँ कि पिताजी मरे नहीं, बल्कि हम सब ने अपने पैरों तले कुचल कुचल कर उन्हें मार डाला। प्रकाश। हाँ माँ, हम सब उनके कातिल हैं। वो बेचारा इंसान दिन रात मेहनत करके 500 रुपए लाता था और उन 500 रुपए से हम सबके दामन में खुशियां डालना चाहता था, लेकिन हम लोगों ने उनकी मेहनत की कदर न करते हुए अपने दामन ज्यादा फैलाने शुरू कर दिए और जिंदगी का दामन उनके हाथ से छूट गया। अपने गिरेबानों में झांक कर अपने दागदार जमीर को देखने के बजाय मुझमें बुराई तलाश कर रहे हैं। अब आप लोग माने या ना माने, मुझे जो काम करना है करके रहूंगा। मेहनत से ही तो भाग बदलते हैं, जीवन के रास्ते में जीवन की जो चलते हैं, हिम्मत से ही मेहनत से ही तो भाग बदलते हैं। भगवान है तेरे साथ, रहमान है तेरे साथ, जीवन के रास्ते में जीवन की जो चलते हैं, हिम्मत से ही मेहनत से ही तो भाग बदलते हैं। भगवान है तेरे साथ, रहमान है तेरे
से ही मेहनत से ही स्वभाव बदलते हैं। अपने बस में करने से पहले मैं ये देखना चाहिए कि वो सोया हुआ है नहीं। अगर हम ये सोचकर वहाँ पे गए कि वो सोया हुआ है और वो सोया हुआ ना हुआ तो अचानक बम की तरह पर फूट सकता है। मेरे ख्याल से तुम बुढ़िया के पास जाकर कोई नाटक शुरू कर दो, वो खुद ही अपने आप पैसे चुरा कर हमारे हाथों में रख देगी। वेरी गुड। अरे बेटी रहने दे, क्यों तकलीफ कर रही है? अरे तकलीफ कैसे बाप? माँ प्रकाश कह रहा था कि उसने जो साइकिल चलाकर पैसे जीते हैं उनसे पहले वो बाहर वालों का कर्जा उतारेगा, हमसे रुकने के लिए कह रहा। अरे बेटी प्रकाश का तो हमने साइकिल चलाने से मना किया था, अब किस मुँह से उससे ये पैसे मांगेंगे हम? तुम प्रकाश के कमरे में चुपचाप जाकर वो पैसे उड़ा लाओ, तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा। प्रकाश ने रात दिन मेहनत करके ये पैसे कमाए हैं और तू मुझे वो चुराने के लिए कह रही है? अब मैं समझी इस घर में चोर कौन है, मेरे बेटे के पैसे किसने चुराए? तूने, तू खूनी है, मेरे बेटे का खून तूने किया। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, क्या हुआ दादी माँ, क्या हुआ? क्या हुआ दादी माँ? कुछ नहीं बेटा, बुरा सपना देखा था, तेरे पिताजी की याद आ गई। रो मत दादी माँ। सो जाओ, सो जाओ दादी माँ। अच्छा, अब आराम से सो जाओ। कौन है? अरे कौन? जागो करा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे छुपो क्यों तो पीछे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या? कुछ नहीं। ये क्या? कुछ नहीं। क्या ये? कुछ नहीं। अबे क्या ये? अच्छा
तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि चोरी करने लगा। अरे भागता कहाँ है कमीने? कमीने चोरी करता है? चोरी करता है? नहीं चोरी नहीं करता। छोड़ो मुझे। तुम नहीं जानती इस कमीने ने क्या किया। मैं इसका हड्डियाँ तोड़ूंगा। इसकी हड्डियाँ तोड़ूंगा। चंदन, चंदन, तू सचमुच मार खाने के लायक है। तुझे मेरी परवाह नहीं, न सही, मगर ये तेरा बड़ा भाई है, कम से कम इसके सामने तो। अरे कौन भाई, किसका भाई? ये मेरा भाई। इस सिगरेट का दम मारते मारते इसका सारा बड़ापन निकाल दूंगा। अरे पिताजी को मरे हुए भी 10 दिन हुए नहीं और ये लग गया हमारा बाप बनने, अपनी धौंस अपना अधिकार जमाने। इससे कहो अपने हाथ काबू में रखे, वरना हाथ मेरे भी हैं और मुझे चलाना बहुत अच्छी तरह से आता है। अरे चुप, बड़े छोटे का तुझे तरह भी लिहाज नहीं। अरे चुप। इसे सजा देने से पहले सोच ली, ये तेरा छोटा भाई है। आई एम सॉरी, तुमसे इज्जत से पेश आना चाहिए। मिस्टर चंदन, तुम खुद मुख्तार बनना चाहते हो, तुमसे बड़ों की इज्जत नहीं होती, तो चले जाओ यहाँ से। अच्छा, चला जाऊं? अगर मैं इस घर से चला गया तो जानते हो क्या होगा? और अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो जानते हो तुम्हें क्या करना होगा? जानता हूँ, बड़ा भाई कहकर तुम्हारी पूजा करनी होगी। तुम अगर मानोगे तो चुपचाप सहना होगा, अपनी जबान बंद रखनी होगी, यही ना? नहीं, सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस घर में मुफ्तखोरों के लिए कोई जगह नहीं। अगर इस घर में रहना है तो बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे, तब जाकर रोटी मिलेगी, वरना नहीं। समझा? मुझे इस घर में रहने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, खाना खाने से पहले तुम लोगों की गालियां खानी पड़ेंगी। तो ठीक है, मेरे माँ बाप के बड़े बेटे और मेरे सबसे बड़े दुश्मन मिस्टर प्रकाश, तुझे सबक सिखाने के लिए मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। गुड बाय। अबे और ढक्कन के, ये कहाँ खो गए राजा? पूछो मत रिंगो, मैं अपने घर वालों से झगड़ा करके घर छोड़ आया हूँ। प्रकाश मेरा बड़ा भाई। अरे वो 7 दिन साइकिल चलाकर 10,000 रुपए क्या जीत गया? अपने आप को ऐसा समझता है जैसे लड़ाई में जीता हुआ राजा भोज। डोंट वरी माय बॉय, तुम अपुन के चालू ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, अपुन तुम्हारे बड़े भाई प्रकाश को राजा भोज से गंगू बना देगा। सिर्फ जलवे जलवे होंगे, जलवे चटने के। अरे अरे, ये थी थी। सुबह सुबह किस मनुष्य विधवा का मुंह देख लिया, पैर का तो घुटता ही निकल गया। अरे किसे विधवा कह रही है? तू नहीं, मुझे सब मालूम है तू किसे गाली दे रही है। अरे कुछ और से पति मरने के बाद विधवा हो जाती है और कुछ मन मरने के बाद, साक्षात देवी जैसे औरत को तू गाली दे रही है। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तुम कहना क्या चाहती हो? जो कुछ मैंने कहा वो गलत है? गलत नहीं, पाप है। पति के मरने के बाद ससुराल से मायके जाने का रिवाज है, पर तेरी तरह पति के साथ मायके में जमकर उस घर को बर्बाद करने वाले नीच, नीच है, बहुत नीच। चुप रहो, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। ऐसा जी का? अच्छा हुआ बेटी तू वक्त पे आ गई, ये मनोज मेरे बेटे को खा गई। सुना ना तूने कैसी कैसी बातें करती है? अब तू ही कुछ उपाय ढूंढ और इन कम वक्त पर इन चोरों को इस घर से निकाल। दादी माँ आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। माया तू औरत है या बेवकूफी की मूरत? एक मामूली सा काम कहा था तुझसे करने को, वो भी तुझसे नहीं हुआ, लाना था तुझ पर। अब तो लगता है मुझे ही अपने हाथ की सफाई दिखानी पड़ेगी, वरना सारी जिंदगी हाय हाय करती रह जाएगी। हाय अंकल। हाय आंटी। ये लो एक और आ गई हाय करने वाली। हम अपनी हाय हाय कर रहे हैं, ये अपना बैंड बजाने आ गई। मगर तू तो अपने घर गई थी ना, फिर अचानक यहाँ क्या करने आ गई? अंकल मुझे अपने घर जाकर याद आया कि मैं तो असली काम करना भूल ही गई।
क्या काम? इस घर में खासकर आपके कमरे में बड़ा कचरा जमा हो गया है, उसको समेट कर बाहर फेंक दूं? हमारे कमरे में कचरा? नहीं तो। अरे है अंकल, अभी जमा करके दिखाती हूँ। आओ ये देखो, ये देखो कितना कचरा है। अरे ये क्या कर रही हो? कचरा जमा कर रही हूँ। अरे क्या बात करती हो, ये तो हमारा सामान है। कचरों का सामान भी कचरा ही होता है। ओ समझा, तो ये अमीरजादी हमें कचरे की तरह इस घर से बाहर फिकवाने आई है। हाँ। मगर ये क्या, इसका बाप भी हमें यहाँ से नहीं फिकवा सकता है। हुँ? क्योंकि ये घर वाले हमारे कर्जदार हैं और हमारे पास 15,000 का प्रोनोट है। प्रोनोट? कौन सा प्रोनोट, जरा दिखाना तो सही। अभी दिखाता हूँ। मेरा प्रोनोट कहाँ है? अंकल जी, कहीं आप इस प्रोनोट के लिए तो नहीं रो रहे हैं? हाँ यही तो है। हाँ यही है। मगर ये तुम्हारे पास कैसे आया? हाथ की सफाई जो मैंने आपसे सीखी है और आज आप पर ही आया। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे ये लो। अरे ये तो मेरा अरे बाल लूट गया, अरे इसको मार दिया। अरे 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 हया सासू माँ। अरे सासू माँ नहीं बेईमान, झाड़ू माँ हो तेरी। अरे ऊपर से होशियारी मारता है। मारो सारे कुत्ते को, मारो। इंस्पेक्टर साहब, ये बदमाश इस लड़की को छेड़ रहा था, इसकी जगह उड़ रहा था, हमने सरंगे हाथों पकड़ लिया। ये सब बकवास है इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है। आप इनसे पूछ लीजिए। चलो ले चले इसे। ए बुढ़िया क्या रे, देख लिया ना अपने छुपे रुस्तम पोते को? अब पता चला कौन सही है और कौन गलत? भाई छुपा हुआ गुंडा निकला तेरा ये प्रकाश। छी 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 छी। देख चंदन, आज तक मैंने कभी तुझसे कोई चीज नहीं मांगी, आज एक चीज मांगती हूँ। क्या है? मेरे बेटे जरा सर उठाकर आसमान पर थूक। थूक? बस यही मांग रही हूँ। इसमें क्या है, अभी थूक देता हूँ। देख लिया ना, आसमान पे थूका हुआ तेरी ही मुंह पर आ गिरा। अब तो समझ गया होगा, अपनी इज्जत के लिए जान की बाजी लगाने वाला तेरा भाई और घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाला तू, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ए बुढ़िया की बच्ची। अरे चुप, तेरे सारे काले करतूत सावित्री ने हमें बता दिया है। चल निकल यहाँ से, निकल। शुक्रिया सर जी। अरे शुक्रिया की क्या बात है, मैं जानता हूँ तुम कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकते जिसके लिए तुम्हें कभी शर्मिंदा होना पड़े। चलो क्या है, यहाँ क्यों आए हो तुम लोग? तुम तो जानते हो कि जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। सावित्री, भगवान के लिए मुझ पर दया करो, चले जाओ यहाँ से। ये मेरी गुरु दक्षिणा है। Thank you.
तुलसी तुलसी। हाँ माँ। ये खाना चंदन को दिया, कहना आज माँ ने तेरी पसंद का खाना बनाया है। अरे माँ, ये खाना तू मेरे लिए भेज रही थी, लगता है खाना बहुत बढ़िया बना है, वहाँ तक खुशबू आ रही थी। इसे कहते हैं माँ, पहले मैं खाना खा लूँ फिर तुझसे बात करूँ। नहीं, 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 ये खाना चंदन का है। तो चंदन के लिए टिफिन मैं ले जाता हूँ, ये खाना सिर्फ चंदन खा सकता है, मैं नहीं खा सकता क्या? ऐसी बात नहीं, बात ऐसी है। मैं जानता हूँ माँ, पिताजी की मौत के बाद तूने चंदन के लिए इतनी मेहनत से खाना बनाया, इसका मतलब मैं अच्छी तरह समझता हूँ। चंदन हमारे माथे का कलंक बन गया है, इस घर की इज्जत का बाजार में नीलाम कर रहा है, वो हमारे लिए मर चुका है, इसलिए ये माँ होकर भी अपने हाथों उसे मार डालना चाहती है, मगर उसको ऐसे बनाने के जिम्मेदार हम लोग हैं। बाजी, आपके बेटे ने इस घर की मर्यादा और इज्जत के लिए अपनी जान दे दी, उनकी पत्नी होकर मैंने ये महसूस किया कि मैंने अपने कोख से एक ऐसे सांप को जन्म देकर बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए उसे मार कर खुद भी मर जाना चाहती हूँ। हमारे घर की समस्याएं हमारी मौत से हल नहीं हुई, अपने भाई को सही रास्ते पर लाने के लिए मैंने एक तरीका सोचा है। वो क्या है बेटे? बताता हूँ। अरे सुनो। हाँ? वो लोग आ रहे हैं, तुम लोग जाओ। अच्छा चलो चलो। फिकर मत कर मेरी जान, तेरे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। हाँ सब कुछ, मगर तुझे नहीं। अरे क्या हुआ, डरती क्यों है जाने जगह? मैं हूँ ना, तुम मेरा भाई है। हाँ भाई, अरे बाप रे, सब कुछ छोड़ दूंगा। पकड़ ऐसे। कौन था वो लड़का, कौन था वो लड़का? मैं पूछ रहा हूँ कौन था वो लड़का। तुम कौन होते मुझे पूछने वाले? मैं कौन होता हूँ? सीधी तरह से जवाब नहीं दिया तो दांत तोड़ दूंगा। मैं पूछता हूँ कौन था वो? क्या तुम्हें मुझसे बचपन का अधिकार जताने का हक है कि तुम इतना भड़क रहे हो? मुझे तुम्हारा जवाब देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं, मैं तेरा भाई हूँ। भाई? ये भाई बहन रिश्ते नाते मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे सख्त नफरत है। ये सिर्फ धौंस जमाने के लिए बनाए गए, अब छोड़ो मेरा रास्ता, चले जाओ। ब्रदर, जो बात तुम कह रहे थे आज वही बात तुम्हारी बहन कह रही है। छोड़ दो इसे, याद है उस दिन तुमने मुझे जबरदस्ती उस लड़की के साथ मस्ती मारने के लिए मुझे उसके ऊपर धकेल दिया था। हाँ भाई, ये तुम्हारी बहन है, तुम इसके भाई हो, तुम्हारे दिल में तुम्हारी बहन के लिए जज्बात है, इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए उस नुक्कड़ का कोना पकड़ के आंखें बंद कर छोड़ दो। भाई देखो, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी। अगर मेरी बहन को हाथ लगाया तो ठीक है। प्रकाश बेटा, ना जाने वो बदमाश लोग चंदन के साथ क्या सुलूक करेंगे। दादी माँ, जब कोयला गर्म होता है और उसे हाथ लगाया जाए तो हाथ जल जाता है, और जब कोयला ठंडा हो और उसे पकड़ा जाए तो हाथ में कालक लग जाती है। उसी तरह बदमाशों के साथ दुश्मनी और दोस्ती कितनी खतरनाक है, ये बात उसकी समझ में आ जानी चाहिए। हमारी आंखों को धोखा हुआ, ये मर्द नहीं बुलबुल है, बुलबुल। क्यों बावली? ओह तुम हो मेरे दुश्मन की माशूका, फर्स्ट क्लास। ये तो डबल काम हो गया, एक तो मैं अपने दुश्मन से बदला चुका लूंगा, दूसरा अपनी भूख मिटा लूंगा। मेरी थम्स अप मेरे लिए। मेरी जात का भंगी मारू, चंदन।
चंदन 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 लोग लोग तुलसी का सहारा उठा कर ले गए। माँ इसे संभालो। पकड़ा सालों को, बहुत बदमाश है। पकड़ा। अरे कुत्ते को भी साथ ले जाओ। अब नहीं। अब प्रकाश चल। अब नहीं। बाबू जी, ये घर जो कुछ देर के लिए तिनकों की तरह बिखर गया था, आज वो तिनके फिर से इकट्ठे हो गए। आपका बसाया हुआ यह आशियाना, ये घर फिर से आबाद हो गया। हमें आशीर्वाद दीजिए कि वक्त की आंधी हमें दोबारा बिखेर न दे। भैया मुझे मेरे चंदन भैया उठ उठ भैया मेरे भाई। मैं लुट गया प्रकाश बाबू, मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ? किसी ने मेरे बच्चे को अगवा कर लिया। चिल्ला मत, उसे मैंने अगवा किया है। जी आपने? हाँ, तुमसे चिमटा रहता तो सारी जिंदगी बीमार रहता, हमेशा उसके दिल में सुराख रहता। और मैंने उसका इलाज कराने के लिए उसे अस्पताल में दाखिल करा दिया है। आप मेरे बच्चे के दिल का इलाज करवा रहे हैं? तुमने भी तो मेरे बिगड़े हुए लालची दिल का इलाज कर दिया। तुम गैर की औलाद के लिए तड़पते रहे और मैं अपनी औलाद को ठुकरा कर कागजी नोटों को बटोरने के लिए तड़पता रहा। यह सबक मैंने तुमसे सीखा दोस्त, और इस नौजवान से। लोग कहते हैं गरीबी इस संसार की सबसे बड़ी बीमारी है। कैंसर का इलाज है मगर गरीबी का इलाज नहीं है। अगर बेटे तुमने यह साबित किया कि इस खतरनाक बीमारी का इलाज है, सिर्फ एक इलाज है वो हिम्मत। हाथ वो कलम है जो आकाश के कागज पर लिखी हुई तकदीर को बदल सकता है। तुमने साबित किया बेटे, तुमने। बिल्कुल सही कहा सेठ जी, ये दादी माँ को भी सबक दीजिए। सुना इनको उधार लेने की बहुत आदत है। दादी माँ, ये संसार में भीख ले लो मगर उधार कभी मत लो, क्योंकि भीख लेके आदमी एक बार जलील होता है मगर उधार मांग के सुबह शाम जलील होता है। अपने घर संसार की गाड़ी को उधार के पहियों पर मत चलाइए। और भाइयों, यह आपके लिए बहुत सबक की बात है। जिस घर संसार की गाड़ी उधार के पहियों पर चलती है वो सुबह शाम पंक्चर होती चली जाती है। अभी समझाना मेरा काम था, आपने समझा नहीं समझा, क्यों आपकी मर्जी है। अच्छा जाओ घर जाओ, खुश रहो, आबाद रहो, और टाइम मिले तो घड़ी घड़ी आते रहो।
चलते हैं, हिम्मत से ही मेहनत से ही दो भाग बदलते हैं।